चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सभी को बताए हमारे पास आकर्षक पैकेजेस अवेलेबल हैं और यदि आपने इन नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि अधिकांश जनता ऑलरेडी इनरोल कर चुकी है बारिश का मौसम आ चुका है तो आइए और फायदा उठाइए आप भी डबल वन डबल वन में, है। डबल वन डबल में आपका एडियो है है और में आप लोगों का भृत्य है भाई इसके अलावा यदि हम आप लोगों को बातें करें तो और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास आने वाली हैं ऑलरेडी हमने बता रखा है क्या क्या आने वाला है उसके सेशन आते रहे आप लोगों ने देखा ही होगा तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं यार एक बार सेशन को शेयर कर देना आवाज कम आ रहा है बोल रहे हैं भाई आवाज और किसको किसको कम आ रहा है आवाज तो ठीक है क्या आवाज ठीक है आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए है ना ठीक है वॉल्यूम बढ़ाना वॉल्यूम कम नहीं करना नहीं तो पप्पा आ जाएगा राइट चले तो वॉल्यूम बढ़ाना है वॉल्यूम कम नहीं करना है पप्पा है चाहे सप्पा है कोई दिक्कत नहीं है ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ये। अब ये रहा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन आंसर आपको बताना है कि हाल ही में राजस्थान की किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में घोषित किया गया है योर आर रामगढ़ रामपुर मानगढ़ या मानपुर क्या होता है देखते हैं आंसर ठीक है साउंड झकास है ना चलो बहुत बढ़िया तो यहां पर पिंकी श्रीवास का ओपनिंग होता हुआ जबरदस्त तरीके से चलो भाई बाकी लोग भी बताओ फटाफट ओके सो मनीष तरुण श्रद्धा अंजलि दानेश्वरी कृति सत्येंद्रा दिव्या अरे क्या बात है अब नाम नहीं पढ़ पाऊंगा मैं अब आ, कमेंट स्क्रॉल होने लग गया वेरी गुड बहुत सुंदर सो राइट आंसर इज हियर मानगढ़ ये मानगढ़ है दोस्तों है ना कंफ्यूजन मत हो ना रामगढ़ मतलब वो फिर वाली मूवी की बातें मत कर लेना एक मूवी में आया था ना कौन सा मूवी था यार अरे सोले नहीं था यार कुछ और था अरे रामपुर का राही ऐसा करके हमारी हमारी नाचे मोर वाला तो वाला नहीं बट ये दूसरा मानगढ़ है याद रखना तो मानगढ़ इज द राइट आंसर मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर लगभग है ना 1913 1913 को एक घटना हुई थी जिसमें से अंग्रेजों ने बहुत सारे भील आदिवासियों को वहां पर नरसंहार किया हुआ था एक प्रकार का जेनोसाइड बोल सकते हो वो हुआ था और उसी की याद में राष्ट्रीय सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के तहत स्मारक यानी कि मॉन्यूमेंट की, की वहां पर घोषणा जो है वो करी है वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों इसके बाद हम अगले प्रश्न की हम बातें करते हैं अगला प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है विच यूरोपियन कंट्रीज प्लानिंग टू ज्वाइन द नाटो इनमें से कौन सा जो देश है जो नाटो ज्वाइन करने की अपनी मंशा जता रहा है जिसको लेकर जिसको लेकर जर्मनी ने दे दिया है ग्रीन लेकिन टर्की ने अड़ा दिया है अड़ंगा तो यहां पर आप लोगों को करना है आंसर ठीक है हाँ जी हम साथ साथ है तो आप भी हमारे साथ साथ हो बता बताओ आंसर व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये कूट वाले क्वेश्चन है बेटा कुटा मत जाना ध्यान से नीचे कोडिंग दे रखी है तो यहां पर आप लोगों को देख के ध्यान से आंसर करना है दोस्तों बहुत सुंदर बड़ा गजब का आंसर आ रहा है वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को सो द राइट आंसर इज यर मेरे दोस्तों नॉर्वे तो ऑलरेडी है तो नॉर्वे को हटा दो याद रखना ऊपर के तीन देश ऊपर के तीन देश कौन से ऊपर के भाई यूरोप के और ऊपर के तीन देश यानी कि यूरोप में ही आती हैं सारे के सारे सबसे पहले नॉर्वे फिर स्वीडन फिर फिनलैंड मैंने हमेशा बताया कोई भी सुजकॉन्ग जब रहता है तो ये तीनों की तीनों देश हमेशा उसमें टॉप फाइव में जरूर बने रहते हैं और ये तीनों की तीनों देश मेरे फेवरेट देश हैं जिंदगी में कभी मौका मिले तो मैं जाऊंगा जरूर किसको किसको मेरे पीछे साथ साथ जाना है लटक के जाना है मेरे को बता देना हाँ सर मेरेग भी जाना है करके ठीक है तो इन दिन, इन तीनों देशों की यात्रा जिंदगी में एक बार मैं करूंगा ज़रूर बहुत प्यारे देश हैं ठीक है चलिए और अब वहाँ होते हैं हम तो हम तो सीधा आइसलैंड जाते हैं भाई क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आइसलैंड में अगर आप गए तो वहाँ पर आपको सरकारी नौकरी दी जाती है अगर वहाँ की महिला से शादी करते हैं अब हम तो सर्टिफाइड हो चुके हैं तो अब नहीं जा सकते नहीं रहते तो सोचते है ना चलो दोस्तों तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या टू एंड थ्री ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की यहां पर हम बातें करते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन कहा है ये रहा हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है तो परीक्षा संगम पोर्टल क्या होता है बड़े? जल्दी से बताओ आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ए ने सीबीएसई ने या फिर एनसीआरटी ने किन्होने किया है भूपेन्द्र मैं आपसे वही मिलूंगा करके ओ हो हो चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड तो क्या हो जाएगा आंसर इसका सीबीएसई यस yes. याद रखना दोस्त है ना क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सीबीएसई ठीक है अच्छा ये बाकी के संस्थान पता है कि नहीं जरा मुझे बताना हाँ सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय तो सबको पता होगा बताने की निर्णय क्या होता है ये क्या होता है? और ये एनसीआर टी ये पता है कि नहीं यस और नो बाकी के ऑप्शन बाकी के ऑप्शन भी आपको पता होने चाहिए मेरे दोस्तों है ना पता चले अरे सर क्या कुछ भी डाल दियो सर हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा वाली चीजें नहीं होनी चाहिए डू यू नो यस और नो जिनको नहीं पता है एक लाइन में मैं बता दूं एआईसी जो रहता है दोस्तों ये होता है टेक्निकल एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन जो आप लोगों को तकनीकी शिक्षा होता है इंजीनियरिंग वाले बच्चे या भी और भी जो भी तकनीकी शिक्षा है उनको जो रेगुलेट करती है वो होता है एआईसीटी इसके बाद एनसीईआरटी तो पता होगा भाई किसको नहीं पता होगा एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर द एजुकेशनल रिसर्च एंड फॉर क्या आया है ट्रेनिंग्स है ना ठीक है नॉट टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग्स तो तो ये ये हो जाता है NCRT. तो ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए इसका सही आंसर हो जाएगा सीबीएसई अगले क्वेश्चन की मैं बातें करता हूं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है लेट्स सी इस क्वेश्चन में कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं जो बच्चे सही आंसर करेंगे समझ लेना कि उनका भाई काफी बेहतरीन करंट अफेयर है यहां पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया विद रेफरेंस टू दिंजो द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स

और जहां तक मुझे लग रहा है ना बहुत सारे बच्चे यहां पर फसेंगे बेटा फसेंगे और ऐसे ही फसाता है आपको लगता है ना कि हम तो सब पढ़ के आए हैं सर अहम ब्रह्मास्मि आपका पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा यहाँ पर जो भ्रम है मैं दूर कर दूंगा बेटा ध्यान से समझना और जो बच्चे यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं जो बच्चे यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं वही सही है भैया तीनों के तीनों गलत हैं बोले सर ये क्या बात सर गजब कर दिया आपने दोस्तों तीनों के तीनों गलत हैं कैसे गलत है ध्यान से समझना ध्यान से समझना तीनों कैसे गलत है वन रुक जाओ जरा। तो दिया ही नहीं हुआ यार ऐसा मत करो हैं ऐसा मत करो फिर बोलना पड़ेगा मेरे को डायलॉग क्या है मेरा डायलॉग जरा बता दो ऐसा मत करो ठीक है डी कैसे आ गया ध्यान से समझना इनकी जो मृत्यु हुई है कार दुर्घटना में नहीं हुई मेरे दोस्तों एसेनेशन हुआ है इनका क्या हुआ है assassination देखो मेरे को ना assassination लिखने नहीं आता था फिर मैंने सोचा कैसे लिखा जाए गधा गधे के पीछे एक और गधा देखो ऐसे लिखो एक गधा हो गया गधे के पीछे एक और गधा हो गया इस गधे के पीछे ए एस <laughs> है ना आप आ जाओ ठीक है और आपके पीछे पूरा देश नेशन बन गया assassination क्या ही है है ना ये तो होता है बेटा assassination के स्पेलिंग यही होता है Assassination, ये देखो गधा गधे के पीछे गधा गधे के पीछे मैं मैंने मैंने किया आप, और आपके पीछे पूरा देश बन गया assassination. Assassination मतलब होता है जब किसी बड़े लोगों की हत्या कर दी जाती है मर्डर उसको हम लोग जानते हैं के रूप में याद रखना किसके रूप में असैसीनेशन तो इनकी हत्या करी गई थी तो स्टेटमेंट नंबर वन तो रॉन्ग है नंबर टू वो जापान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति थे नहीं भाई राष्ट्रपति नहीं थे ये प्रधानमंत्री थे ही वॉज अ पी एम नॉट प्रेसिडेंट वो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री थे है ना राष्ट्रपति नहीं थे तो भैया ये भी गलत भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया था क्या पद्म विभूषण तो भैया ये भी गलत तो हो गया है ना फंस गया ना क्वेश्चन में है तो बेटा ऐसे आते हैं क्वेश्चंस और आपको लगता है अरे सर आप मतलब ऐसे अबे मैं तो बना के आया हूँ भाई अरे मेरा तो फुल कॉन्फिडेंस है देख लेंगे दावापत्ती कर लेंगे कहाँ दावापत्ती करोगे भाई साहब आप तो यहाँ निपट गए ना तो ये होता है क्वेश्चन कैसा रहा लेवल जरा बताना मुझे हाउ वॉज द लेवल कैसा रहा दोस्तों क्वेश्चन कैसा रहा क्वेश्चन का लेवल जरा बताइएगा मजा आया कि नहीं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए दोस्तों ऐसे प्रश्न आपसे बनने चाहिए राइट चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सब के सब गलत हैं सबके सब गलत हैं ये टफ वर्फ नहीं होता बेटा टफ वर्फ कुछ नहीं होता ये अच्छा होता है आप तैयारी करिए इसकी आप तैयारी करिए इसकी तो आएगा तो बनेगा आपसे आप पढ़ के जाओगे ए फॉर एप्पल बी फॉर वॉल उसने ए फॉर कुछ और पूछ दिया बी फॉर कुछ और पूछ दिया तो दिक्कतें हो जाएंगी आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बातें करते हैं है ना ठीक है अगला क्वेश्चन ये रहा भाई कहा गया आ आगा हाल ही में अमेरिका के कुछ राज्य में किस तूफान की चपेट में आने के कारण आसमान का रंग हरा हरा हो गया था हम पे ये किसने हरा रंग डाला किसने डाला था भाई साहब हरा रंग डोरेमोन, डोरेचो हरिकेन या फिर जेट स्ट्रीम चलो आंसर कर लो व्हाट इज द आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन एग्जैक्टली exactly, आप यहां से गलत हो तो चलेगा एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए पीडीएफ मिलेगा भाई पीडीएफ मिलेगा टेंशन ना लो है ना पीडीएफ आपको दिया जाएगा टेंशन लेने वाली बात नहीं है राइट चलो तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे जल्दी से बताओ फटाफट सो द राइट आंसर इज हियर क्या हो जाएगा डोरेचो क्या हो जाएगा डोरेचो 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 डोरेच डोरेचो ठीक है तो डोरेचो हो जाएगा इसका सही जवाब ओके okay? आगे बढ़े क्या दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बातें करते हैं अगला क्वेश्चन कहा गया भाई ये रहा अगला क्वेश्चन आ जाओ बताओ कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य यूनिटी सॉरी स्टेच्यू ऑफ पीस की जो है यहां पर बातें करी गई हैं जल्दी से बताओ आंसर जल्दी से आंसर करिएगा दोस्त जल्दी से फटाफट फड़। क्या हो जाएगा आंसर चलो बताओ 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 लेट सी देखिए क्या बात है बहुत बढ़िया वेरी गुड सो द राइट आंसर इस श्रीनगर भैया मेरे जम्मू एंड कश्मीर को नहीं बोलना है कहां जम्मू में जा रहे हो आप लोग हैं कहा जम्मू में जा रहे हो कहा जा रहे हो श्रीनगर में जाना है ना दोस्तों आपको स्टेट का राज्य राज्य का नाम वैसे भी राज्य का नाम जम्मू एंड कश्मीर है भैया जम्मू एंड कश्मीर है जैसे मैं आपको बोलू छत्तीस बोलने से हो जाएगा क्या नहीं ना छत्तीस बोलने से हो जाएगा नहीं ना होगा छत्तीसगढ़ ना बोलना पड़ेगा है तब ना करोगे ऐसे ना होगा कैसे छत्तीसगढ़ बोलोगे तब ना पूरा नाम लिखाओगे तो भैया मेरे ये तो जम्मू है ना जम्मू तो शहर का नाम है ना जम्मू एंड कश्मीर बोलता तब आप बोलते सर और वैसे भी जब ऑलरेडी आपको राइट आंसर दे दिया है श्रीनगर तो काहे थक रहे हो सही आंसर हो जाएगा यहां पर श्रीनगर ठीक है अच्छा एक मेरा प्रश्न है दोस्तों श्रीनगर जो है इस नगर को किसने बसाया है और किसके नाम पर बसाया है? चलो एक क्वेश्चन स्टैटिक का क्वेश्चन बेटा इतिहास के खेमे से क्वेश्चन मैंने दाग दिया क्योंकि इतिहास मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है यार सब लोग लाइक करो यार ये सही बात है भाई ये डेढ़ सौ लोग वाचिंग और मात्र सिक्स लाइक मतलब ये ना इंसाफी यार। फिर सर फिर शराब दे, दे देंगे आप लोगों को है ना गंगा जल पकड़ेंगे बट ऐसे शराब दे, दे देंगे फिर तो सबसे पहले तो लाइक करो यार सबसे पहले सेशन को आप लोग लाइक मारो भाई जितने लाइक उतने लाइक होने चाहिए तो आप लोग आंसर बताओ ये जो श्रीनगर है ना ऐसा मत करो मेरी जान यस लाइक करो यार फटाफट ठोको बताओ किसके नाम पर और किन्होने रखा है मैं बताता हूं दोस्तों ये जो रखा गया है नाम रखा गया है श्री देवी अब बोले ओ माई गॉड देवी जी अच्छा ये वही वाली अब जी करते हैं हम प्यार <laughs> मिस्टर इंडिया नहीं 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 वो वाला नहीं है ना वो दूसरी श्री देवी है शी इज द वाइफ ऑफ द ग्रेट किंग अशोका याद रखना मेरे दोस्तों राजा अशोक और अशोक से संबंधित आज चीज अपन पढ़ने वाले हैं अशोक ने अपनी वाइफ के नाम पर रखा था इसका नाम श्रीनगर याद रखेंगे ठीक है श्रीदेवी के नाम पर ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते ये, फैक्ट याद रखिएगा जरूर ठीक है ओके नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा भाई ओके अब आ गया क्वेश्चन फुजियान से बेटा चलो बताओ फुजियान फुजियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए इनमें से कौन सा सही है इस बार उसने सही है पूछा है इस बार उसने करेक्ट पूछा है तो कम से कम सही और गलत को तो पहले देखा करो अपनी आंखें खुली रखा करो और सही गलत को पहले देखा करो चलो बेटा आंसर बताइएगा है ना ठीक है हाँ अब समझना यहां पर इट इज एन एडवांस मिसाइल यह एक उन्नत किस्म का मारक क्षमता वाला मिसाइल है इट्स नेम आफ्टर द फुजियान अ रीजन इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द चाइना चाइना के पश्चिमी तट का एक क्षेत्र है राज्य उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है इसमें टेक ऑफ और लैंडिंग हेतु तो एक सीधा फ्लैट टॉप फ्लाइट डेक मौजूद है फ्लैट टॉप फ्लाइट इज़ हियर चलो भाई आंसर बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा तो बच्चे लोग यहाँ पर डी पे जा रहे हैं ओ, हो, 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 हो अरे यार मतलब आप लोग यार मतलब आप लोग अच्छे से पिछला करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो है कि नहीं

जिन लोगों ने बी बोला है वही सही है अब ध्यान से समझना दोस्तों ये तो एकदम है यार पता है एक मैं चीज आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं इतना इजी क्वेश्चन पता है इसको मैं स्टार में रखूंगा भाई मेरे ये मिसाइल थोड़ी है यार ये कहा मिसाइल है दिस इज अयरक्राफ्ट कैरियर कितने बार बताया था मैंने आप लोगों को पूरा डायग्राम वाइग्राम बताया था एयरक्राफ्ट कैरियर करके याद आ रहा है ना एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है ये बड़ा सा रहता है ऐसा ये बड़ा सा रहता है जिसमें बहुत सारे मतलब आ, वो जो आपके जो प्लेन्स वगैरह छोटे छोटे जो रहते हैं ना फाइटर प्लेन उनको ले जाए समुद्रों में कितने बार बताया था सर मिसाइल तो जहां पर वन दिख रहा है ना उसको हटाओ ना भाई यहां पर वन है इसको हटा दो यहां पर वन है इसको हटा दो यहां पर वन हटा दो खत्म

क्या चाइना के पश्चिमी क्षेत्र में समुद्र है नहीं ना है इंडिया के क्या उत्तरी क्षेत्र में समुद्र है नहीं ना है कहा है पूर्वी क्षेत्र में है तो ये पश्चिमी बोल दिया इसने वेस्ट कोस्ट तो ये भी खत्म ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट टू भी खत्म और भैया टेक ऑफ लैंडिंग मैंने बताया था फ्लैट फ्लैट टॉप डेग यहां पर दिया है करके तो बेटा आप लोग सोचो अब इतने इजी इजी है अच्छा एक चीज बताओ अब क्या ये क्वेश्चन टफ था या थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना था आप लोग मुझे बताइएगा क्या ये क्वेश्चन टफ था या बस थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना था आप ही लोग बताओ मेरे को क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये इसमें तो सिर्फ एलिमिनेट करना था स्टेटमेंट नंबर वन एलिमिनेट करो आंसर आ गया आपका और कूट देख के डरना नहीं बेटा कूट देख के डरना नहीं कूट वाले ईजी रहते हैं आपके लिए इजी रहते हैं और गलत आंसर मत बताना ना जिस दिन शाहीन जिनपिन को पता चलेगा ना फिर वो छींग छुंग करके फिर आपके ऊपर तो हमारे पास है फिर वो छोड़ देगा बेटा है ना टफ नहीं था सही था ये है ना ओके वेरी गुड सो स्टेटमेंट नंबर वन एंड टू रॉन्ग आंसर नंबर बी ओनली यानी कि थ्री ओनली ठीक है ना चलिए आगे बढ़े हम लोग हाँ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बातें करते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई ये रहा ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी ध्यान से समझना इसको इंडिया हैज बिन इलेक्टेड टू द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्कोस 2003 कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आईसीएच के लिए इसको चुना गया है किस टेन्यूर यानी कि किस कार्यकाल के लिए 21 बाईस इक्कीस से बाईस बाईस से चौबीस बाईस से छब्बीस या बाईस तेईस चलो आंसर बताओ क्या हो जाएगा आंसर अब एक स्टूडेंट का बोलना है, कूट वाला लगता है ऐसे लगेगा तो फिर कठिन नहीं होता कूट वाला हमेशा सबसे इजी होता है कूट वाले प्रश्न चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा चलो बताओ जल्दी से तो यहां पर भी बहुत सारे बच्चे आई थिंक गलत आंसर चाह रहे हैं सही आंसर हो जाएगा बाईस से छब्बीस बड़ा याद रखना ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी सिक्स राइट क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी सिक्स से छब्बीस हो जाएगा भाई साहब हमेशा चार साल के लिए होता है याद रखना दिस इज फॉर फोर ईयर ये होता है चार वर्षों के लिए राइट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बातें करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहेगा भाई अगला क्वेश्चन है स्वनिधि महोत्सव प्रारंभ किया गया ये किनके लिए था किनसे संबंधित था और ऑप्शन ट्रांसजेंडर यानी कि जो तीसरे जो होते हैं ना जैसे कि जिनको हम लोग बोलते हैं एक मेल होता है एक फीमेल होता है फिर एक तीसरी जो आपकी जो कैटेगरी रखी गई ट्रांसजेंडर उनके लिए या फिर स्ट्रीट वेंडर जो ठेले वगैरह लगाते हैं उनके लिए या फिर किसानों के लिए या फिर सभी के लिए चलो आंसर बताओ भाई किन के लिए हो जाएगा बताओ वट आंसर वेरी गुड स्ट्रीट वेंडर्स जितने भी आप लोग जो ठेले वगैरह जो लगाते हैं गलियों में है ना उन सभी के लिए था ये राइट सो so, सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी स्ट्रीट वेंडर्स अगले क्वेश्चन की हम यहां पर बातें कर लेते हैं सर क्या बात है आइए अगेन एक क्वेश्चन बेटा कूट मैं बार बार बोल रहा हूं कूट वाले क्वेश्चन कभी टफ नहीं होते एक बार आप बनाना सीख गए ना उसको तो सबसे आसान होते हैं वो कूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपका माइंड है बस आपका माइंड है कि कूट वाले कठिन होते हैं चलो बताओ बेटा कूट दो इस क्वेश्चन को क्या हो जाएगा इसका आंसर ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को विथ रिफरेंस टू द गीता गोपीनाथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट सही कौन सा है पूछ रहे हैं यहाँ पर सही कौन सा है पढ़िए स्टेटमेंट और आंसर दीजिए और जितने भी बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हैं जिनकी पहली क्लास है है ना कोई है क्या कोई स्टूडेंट्स है जिन लोगों की ये पहली क्लास है या बहुत दिनों बाद जिन लोग आए हैं तो उन लोगों को लग रहा होगा अरे सर ये क्या हो रहा है सर इतने खतरनाक टाइप से बाकी बच्चे लोग कैसे आंसर दे दे रहे सर मेरे को तो कुछ आता नहीं है ऐसे कोई है क्या, क्या? कोई बच्चे जिनकी आज पहली क्लास है तो आप लोग पुराना क्लास देखिएगा ये वाला देखिएगा उसमें पूरा चीज का एनालिसिस किया गया है है ना वहां पर आप लोग उसको करेंगे ठीक है चलिए तो जितने भी बच्चों की पहली क्लास है ना उन लोग इसको जरूर देखिएगा ठीक है ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा सही आंसर किस में जाना चाहते हो आप लोग जल्दी से बताओ सही आंसर किसमें जाना चाहते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर फोर्थ किसमें चल रहे हैं अपन यस सो द राइट आंसर हो जाएगा यहां पे डी हो जाएगा नन हो जाएगा बेटा याद रखना नन क्यों होगा ध्यान से समझना नन क्यों होगा ध्यान से समझना मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं आप लोगों को सबसे पहला आईएमएफ जो होता है उसमें जो आपके फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों का जो फोटो टांगा था ना दोस्तों तो पहला जो फोटो था वो किनका था याद रखना ये था रघु राजन जी का और दूसरा जो फोटो आ गया वो किनका हो गया गीता गोपीनाथ जी का क्या बात है यार एकदम ये तो मस्त बन गया, और जीजी बन गया गया और है ना तो याद रखना मेरे दोस्तों रघु राम राजन पहले व्यक्ति हैं और गीता गोपीनाथ दूसरे व्यक्ति गीता गोपीनाथ दूसरे हैं लेकिन यहाँ रघु राम राजन महिला है कि पुरुष है आप ही लोग बताओ रघु राम राजन जो है वो महिला है या फिर पुरुष है बताइए पुरुष है ना दोस्त ऐसा मत करो मेरी जान वो फिर रघुराम राजा ना के सपने में दो चार चार्टर लगाएगा इकोनॉमिक का सवाब दे देगा आपको ये तो पुरुष है भाई और बोला क्या है यहाँ पर शी बिकम द सेकंड इंडियन वुमेन बोल दिया ना इन्होंने सेकंड इंडियन वुमेन थोड़ी होगी भाई ये फर्स्ट इंडियन वुमेन होगी पहली मतलब दूसरे नंबर में इंडियन है लेकिन वुमेन वर्ड एड हो गया ना महिला जुड़ गई तो सेकंड कैसे हो गया फर्स्ट हो गया पहली महिला वुमेन हो गई राइट तो यार ये स्टेटमेंट नंबर वन रॉन्ग ड टू द डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इनको उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत 2018 में नहीं किया मेरे दोस्त अब भी किए पिछले साल करंट अफेयर दिसंबर का जाके देखो दिसंबर 2021 का मेरा करंट अफेयर जाके देखना वहां पर पढ़ाया हूं मैं कितने महीने हो रहे हैं आ, अभी जुलाई चल रहा है ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून भाई छह महीने हो रहे हैं यार ऐसे मत करो मेरी जान छह महीने में कौन भूलता है यार तुम तो मेरे को भी भूल जाओगे फिर तो भाई ये डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी 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 है दिसंबर 2021 में 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 2018 2018 तो थी थी ये चीफ चीफ इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट तो यार स्टेटमेंट नंबर टू भी रॉन्ग है इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है समझ आया मतलब आज के क्वेश्चन में तो सर आप तहलका मचाने वाले हो ऐसा मतलब तो सोच क्या होंगे ना सर तो आज मतलब आंसर गलत करवा के रहेंगे भाई गलत करवा के नहीं आज मैं चाह मतलब आज क्या अब ये मेरा लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा इसलिए बढ़ता जाएगा क्योंकि आप लोगों को जब बड़ा बड़ा पेपर बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर दे आजकल बहुत सारे पेपर ऑनलाइन हो रहे बेटा याद रखना और जब ऑनलाइन होते हैं ना तो उसमें कूट वाले क्वेश्चन ज्यादा भर देता है क्योंकि उनके पास पेपर की कमी नहीं होती बस आता है और भर देता है और वैसे भी यार क्या पता अगर इसी को एक सिंगल लाइन बना के दे दे या इसको एक सिंगल लाइन बना के दे दे कूट वाले में होता यूं है ना कि आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर पता चल जाते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन की हम आप बातें कर लेते हैं ठीक है ना नेक्स्ट hmm. क्वेश्चन है क्या बोलता है बड़ा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है हाल ही में किसने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू करी है जो कि साइबर जोखिमों को हमले से होने वाले बचाने के वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा हु हैज रिसेंटली द साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेज ड्यू टू द साइबर रिस्क एंड अटैक एल आईसी एस बी आई जनरल इंश्योरेंस गूगल या फिर एयरटेल लिमिटेड क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर बताओ शुड बी द आंसर हियर चलो तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा द राइट आंसर इज एस बी आई याद रखना ठीक है ना किन्होंने किया है एस बी आई जनरल इंश्योरेंस ने किया है ठीक है ओके भाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का जो क्वेश्चन है क्या है कैसा है आज का जो सेशन है उसकी हम शुरुआत करते हैं एक बार सभी बच्चे बता देंगे यार शेयर वेयर मार देंगे बढ़िया फटाफट है ना ठीक है अब ध्यान से समझते हैं यहाँ से सबसे पहला जो आप लोगों का आज का जो न्यूज होने वाला है भाई वो अशोक स्तंभ से संबंधित होने वाला है क्योंकि इस पर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है क्या है विवाद और विवाद से हम लोग विवाद का बात ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वाद विवाद जो काम है वो सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा है ना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए करके हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है ना चलिए सर आपके साथ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बनने बिल्कुल अंकित अवश्य बनेंगे आप जरूर बनेंगे अवश्य बनेंगे हमारी दुआएं हैं हमारी शुभकामनाएं हैं हमारा पूरा आशीर्वाद है आप सभी बच्चे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे अवश्य जरूर एक पोस्ट जरूर लेंगे यहाँ पर हम लोग बातें करने वाले हैं जो अशोक स्तंभ से संबंधित विवाद क्या चल रहा है आइए थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता दूं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है चूंकि हमको वाद विवाद की बातें नहीं करनी है हमको जो बातें करनी है वो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे वाद विवाद आप तब करना जब आप पोस्ट लोगे अब यहां पर बोला गया है जो विवाद विवाद का जो प्रश्न जो आ रहा था वो शेर के जो प्रतिमा जो बनाई गई है इनके ये हेड वाले पोर्शन से हो रहा था मतलब ये वाला जो शेर है है थोड़ा सा आंख आंख बंद टाइप का है, इसके को एकदम रखा गया है माउथ को भी थोड़ा ओपर रखा गया है छाती को थोड़ा चौड़ा कर दिया गया एंड ऑल तो ये सारी की सारी जो चीजें है ना ये जो ये चीजें आपकी आ रही थी अब इसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठने लग गए क्या ऐसा किया जा सकता है क्या ये संभव है या फिर नहीं तो मैं ध्यान से बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझ

संविधान संशोधन करके भी पूरा का पूरा राष्ट्रीय चिन्ह भी बदला जा सकता है ये रूल कहता है ये नियम कहता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कर दोगे क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट भी जुड़ा रहता है लोगों की भावनाएं भी रहती हैं उनको आपको ध्यान में रखना होता है, है ना तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है तो मेरा प्रश्न जो था वो ये था कि सर क्या इसमें चेंज किया जा सकता है इस रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस उसमें करी जा सकती है जो रिप्लिका हम बनाते हैं रिप्लिका का मतलब होता है जो ओरिजिनल प्रतिकृति है जो ओरिजिनल है जो ओरिजिनल बना हुआ है उसका एक नया रूप जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना इंजीनियरिंग वाले बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यार मॉडल और, और प्रोटोटाइप करके ठीक है ना तो मॉडल और प्रोटोटाइप तो इसी प्रकार से आप रिप्लिका आप बनाते हो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की जा सकती है तो ठीक है किया गया चेंजेस उसी के आधार पर लेकिन प्रश्न ये आया कि ये जो भंगीमा है भंगीमा यानी कि इस प्रकार का जो दिख रहा है इनका एकदम वाले लेकिन जनमानस की को में रखते हुए। ये नहीं कि आप कुछ भी कर दिए है ना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का फोटो बना रहे हो आपने किसी की फोटो टांग दी अब भाई गलती से आप उसको पैंट पहनाना भूल गए या फिर गलती से ऊपर का शर्ट पहनाना भूल गए तो आप बोलोगे देखो आपने फोटो तो लगा रखी ना तो भाई आप उसके भाव

यहां पर ये जो नजर आ रहा है सर ये इसका वैल्यू क्या है और ये क्या चीज है तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो है ना टोटल इसका जो वेट है वो है बेटा साढ़े नौ हजार किलोग्राम नाइन फाइव डबल फ, नाइन फाइव डबल जीरो के जी और ये किसका बना हुआ है याद रखना ये किसका बना है कई बार आप लोगों को पूछा जा सकता है तो ये जो बना है ये बना है आप लोगों को पूरा तांबे का कि सॉरी कांस से का शेका? किसका बना है ये ब्रॉन्ज का बना है ठीक है ना किसका बना है ये ब्रॉन्ज का बना है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है पूछा जाएगा यही सब चीजें अच्छा ये बताओ ये किसका बना है जल्दी से बताओ मेरे को इसका तो आप लोगों ने बता दिया इसको तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सर ये जो बना हुआ है ना ये आपका बना हुआ है ब्रोंज का बना हुआ है और टोटल जो इसका जो वेट है वो है 95 डबल Kg. अब मेरा प्रश्न यह है दोस्तों कि ये वाला जो जो ओरिजिनल सारनाथ से मिला है यह किसका बना हुआ है जल्दी से आंसर बताओ मेरे को यह किसका बना हुआ है जो बच्चा सही आंसर बता देगा मैं समझूंगा उसका जो, उसका जो जो हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है चलो जल्दी से बताओ ये इधर जो नजर आ रहा है ये किसका जो ओरिजिनल जो मिला है वो किसका बना हुआ है अब यहां पर बच्चे बोल रहे हैं पीतल कॉपर रॉक कासा धन्य हो मेरे बच्चों चीनी मिट्टी वाह वाह और कोई और कोई हाँ एक और बोल लो है? हाँ मैं बोलूंगा ठीक हाँ है, हाँ एक कर लो पहले, है चलो कर लो बेटा गोल्ड वाह वाह एकाध और बोल दो ना भाई चांदी वांदी भी बोल दो कुछ हीरा जहात तो वगैरह भी बोल दो कुछ बच्चा होगा तो हम्म एकाध और कुछ कुछ बोल दो कुछ बच्चा होगा तो मेरे दोस्तों अशोक ने बनवाया है द ग्रेट किंग अशोका ने कैसे कर रहे हो यार ऐसा मत करो मेरी जान ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा है ये बलुआ पत्थर से बना है मेरे दोस्तों सैंडस्टोन से किससे बना है बलुआ पत्थरों से पुरानी जितने भी मैक्सिमम चीजें आपको जो देखने को मिलेंगी है ना जितने भी पुरानी जितने भी मैक्सिमम नाइन्टी परसेंट बलुआ पत्थरों से निर्मित है ये मैक्सिमम बोलू सबको नहीं बरू अधिकांशता किससे निर्मित है सैंडस्टोन से बलुआ पत्थरों से निर्मित है याद रखना मेरे को लग रहा है आप लोग आंसर करोगे करके तो तांबा पीतल लोहा सोना चांदी है सीसी बाटल ऐसा लग रहा है कि वो बेचने वाले लोग निकले करके बलवा पत्थरों से बना है भाई ये याद रखना भाई सौरभ वर्मा अगर दोबारा ये क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको डिलीट करवा दूंगा यहां से इस टाइप के क्वेश्चन प्लीज करने का नहीं है क्लास डिस्टर्ब होता है ना अभी नहीं करवा रहा हूं टेंशन मत लो अभी जो चीज़ चल रहा है ना वो पूछो मैं बार बार बोलो मैं ये इस प्रकार की चीजें सर गुस्सा बहुत कम होते हैं सर गुस्सा बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं तो फिर बेटा सीधा उड़वा देते हैं तो प्लीज आपको हैंड क्योंकि कंटिन्यू आपने मैसेज किया ये तो ये लास्ट वार्निंग है आपको वो जब होगा ना जब पूछूंगा तब तो आप बता देना जहां पर जो चीजें पूछी जाती है ना वहां पर वो पूछना ठीक है अब फिर बात वही होगी ना तुम किसी को घुमाने लेके गए हो प्रपोज तुमको उसको करना था तुमने प्रपोज इसको कर दिया फिर क्या होगा बेटा फिर खत्म टाटक गुडबाई हो जाएगा ना तो वैसे तुमको टाटक गुडवाई कर देंगे तो यहाँ पर वो सब क्वेश्चन अभी नहीं पूछना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो ये बना हुआ है बलवा पत्थरों का और ये बना हुआ है आप लोगों का तांबा का ध्यान से समझना ठीक है ना तांबा नहीं कास्या का कास्या का अब इसकी जो हाइट की हमने जो बातें कर ली हाइट क्या है बेटा याद रखना नाइन फाइव डबल जीरो इसीलिए मैं कमेंट सेक्शन देखता नहीं क्योंकि आप लोग ज्यादा कमेंट इधर उधर के करते हो नाइन फाइव डबल जीरो और इसकी यदि मैं बातें कर लेता हूं तो हाइट जो रहने वाली बेटा याद

चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नहीं कांस्य पुराना होता है नो डाउट कांस्य जो है वो पुराना होता है लेकिन ये जो है बलुआ पत्थर का बना हुआ है इसके अलावा यदि मैं बातें करता हूं अच्छा अशोक का जो ये सारनाथ से मिला हुआ है है ना अशोक ने इसको लगभग 250 फिफ्टी बी में बनवाया था लगभग 250 सौ बी के आसपास बीसी मतलब होता है ईसापुर में बनाया था अब मेरा एक प्रश्न है दोस्तों आप लोगों से आप लोग मुझे आंसर बताइएगा मेरा प्रश्न ये है कि ये जो चार सिंह जो नजर आते हैं इसके नीचे भी जानवर है यहाँ पर है कि नहीं इसके नीचे भी ये जानवर है तो ये जो जानवर दोस्तों नजर आ रहे हैं ये जो एनिमल्स जो नजर आ रहे हैं ये कौन कौन से एनिमल्स हैं इनके जल्दी से मेरे को नाम बता दो लेट्स सी मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे यहां पर बता सकते हो ठीक है कितने एनिमल्स हैं और कौन कौन से एनिमल्स हैं जल्दी से बताना ठीक है चलिए फटाफट आंसर बताओ बेटा फटाफट जल्दी से आंसर बताइएगा तो यहां पर आंसर आने स्टार्ट हो रहे हैं ओके okay. बस वेरी गुड बहुत बढ़िया है ना चले तिल इसको तिलियों को हम काउंट कर लेते कितनी तिलियां हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी और ये पहले जो होता था याद रखना थर्टी फोर केसपास होता था यानी कि चौबीस से ज्यादा तिलिया होती थी ओरिजिनल में जिसको बाद में हमने चौबीस करवा दिया था याद रखना पहले ज्यादा होता था चौबीस से जिसको हमने बाद में कितना करवा दिया था ट्वेंटी फोर करवा दिया था इसके बाद यदि हम बातें करते हैं दोस्तों याद रखना है ना इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने पूछा था तो एक क्या रहेगा आपका सांड रहेगा यानी कि बुल रहेगा फिर आप लोगों का घोड़ा रहेगा दौड़ता हुआ यानी कि हॉर्स रहेगा फिर एक लोगों आप लोगों का हाथी रहेगा है? है ना एलिफेंट रहेगा और इसके बाद एक और शेर रहता है नीचे याद रखना हाँ जी थर्टी फोर से हमने है ना सॉरी ट्वेंटी फोर अभी जो रिसेंट रहता है ठीक है अब ये चीज हमेशा याद रखना जाएगा हॉर्स क्या -क्या हो जाएगा एलिफेंट और लॉयंस ये इसके नीचे इसके अलावा यदि मैं बातें करता हूं तो इसके चारों और ये जो सेपरेट रहेंगे वो इस अशोक चक्र से सेपरेटेड होते हैं किससे रहते हैं इन अशोक चक्र से सेपरेटेड रहते हैं दूसरी यदि हम बातें करते हैं तो किस पर लिटा होता है दोस्तों ये उल्टे कमल पर याद रखना कमल जो कमल कम, की पंखुड़िया जो रहती है ना ये उल्टी रहती हैं इस प्रकार से रहती हैं उल्टी कमल की पंखुड़ियां सीधी करोगे तो ऐसे दिखेगी ऐसे लेकिन ये कमल की पंखुड़ियां उल्टी दिखेंगी ऐसे कमल की पंखड़िया इस प्रकार से उल्टी आपको नजर आएंगी राइट यू कैन सी फ्रॉम हिस्सर यहां से आप देख सकते हो खैर यहां पे तो नजर आएगा नहीं बट चलिए मैं और किसी और एग्जाम मतलब उसमें दिखा दूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है जो सत्यमेव जो जयते है इसको हमने कहाँ से लिया है सत्यमेव जयते जो मोटो लिखा हुआ है हम नेशनल एम्बलम की हम बातें कर रहे हैं हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं आप लोग आंसर बताइएगा कि सर ये सत्य में जयते को कहाँ से लिया गया है ठीक है तो ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है इसको सबसे पहले एडॉप्ट किया गया था छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ को तब जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू याद रखना

और आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो ये पट्टियां अपने कंधों पर देखना चाहते हैं जरा कमेंट करके बताना आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो अपने कंधों पर अशोक स्तंभ लगा हुआ देखना चाहते हैं हाउ मेनी ऑफ यू कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ जी सर किसी दिन हमारे कंधे पर भी ये जो आपका क्या बोलते हैं अशोक स्तंभ लगे करके कितने लोग चाहते हैं अब एक चीज ध्यान से समझना बेटा आई भी जब हम बनते हैं ना तो डी लेवल में भी हमको अशोक स्तंभ नसीब नहीं होता जब हम एडिशनल पे जब हम चले जाते हैं एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उसके बाद हमको अशोक स्तंभ मिलता है उसी प्रकार से यदि आर्मी की हम बातें करते हैं तो कैप्टन रैंक तक भी नहीं मिलता कैप्टन से ऊपर जब मेजर रैंक आता है उसके बाद हमको को मिलता है याद रखना ठीक है चलिए तो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ध्यान से समझेगा ये लोग है ना और यदि मैं आप लोगों को बताऊं है ना ये जो आपकी रैंकिंग होती है यहां पे लास्ट तक चलती है कुछ कुछ को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सभी में आप लोगों को अशोक स्तंभ जो है वो दिया जाता है अशोक स्तंभ का होना इसका मतलब आपके इस पे कंधे पे होना इसका मतलब आप एक बड़े ऑफिसर के पोस्ट पे हो गेजेटेड ऑफिसर के पोस्ट पे हो एक और चीज मैं आप लोगों को बता दो दोस्तों जो कि काफी महत्वपूर्ण है जो कि जानना आवश्यक है आप लोगों के लिए आप जितने इतने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं इनका जो उपयोग है कहीं

आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले जो हम यहां पर न्यूज के हम बातें करने वाले हैं आरबीआई ने कहा है कि भाई अब हम आई एन आर यानी कि हमारा इंडियन नेशनल जो रुपीस है ठीक है हमारा जो इंडियन रुपया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग उपयोग कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय का जो रुपया होता है भारतीय रुपया इंडियन जो रुपीज है उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कैसे अब समझना मेरे दोस्तों ये क्या क्या चीजें इन्होंने लेकर आया है अभी तक यदि हम बातें करें तो हम जितना भी ट्रेड करते थे जितना भी व्यापार हम किया करते थे उसमें क्या रहता था फॉरेक्स ये फॉरेक्स क्या होता है दोस्त फॉरेक्स होता है फॉरेक्स यानी कि होता है विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको हम लोग बोलते हैं तो हम विदेशी मुद्रा से हम लोग लेन देन किया करते थे जैसे यदि हम आप लोगों को बातें करें सबसे पहले यदि मैं बातें करता हूं दोस्त यदि मुझे अमेरिका से कुछ चीजें खरीदनी है और मैं एक इंडियन व्यक्ति हूं तो मैं पेमेंट किस में करूंगा मैं कर लूंगा डॉलर में कर लूंगा क्योंकि अमेरिका बोलेगा भाई मेरे घर डॉलर चलता है तो तुमको डॉलर देना पड़ेगा अब बोलेंगे हाँ जी सर बहुत अच्छी बात है चलो हम डॉलर में लेना देना करते हैं अब जैसे मेरे को श्रीलंका के साथ व्यापार करना है या फिर सर मेरे को मान लेते हैं मेरे को मान लो व्यापार करना है अरब

अस्सी भी पार कर गया तो आपको हमेशा तेल महंगा मिलेगा आ रहा है समझ में अगर वन डॉलर इज इक्वल टू अगर अगर डॉलर डॉलर इज इज इक्वल इक्वल टू टू था और आज $1 to, अगर $80 हो गया है तो भाई साहब आपको तो सेम इसी में खरीदना पड़ेगा डॉलर में इसमें कोई कमी नहीं हुई है आज भी तेल उतने डॉलर में मिल रहा है लेकिन जब आप इंडिया लेकर आओगे तो यार एक डॉलर के बदले पहले आपको सत्तर रुपए देने पड़ते थे आज एक डॉलर के बदले आपको अस्सी रुपए देने पड़ रहे हैं सीधी सी बात है ना जैसे हमारा कोई कोर्स है मान लेते ट्रिपल नाइन का है अब मैंने बोल दिया कि भैया अब आपको डबल वन डबल नाइन देना पड़ेगा तो आप बोलोगे कि नहीं अरे सर कोर्स बढ़ा दिए सर रेट बढ़ा दिए बोलोगे ना यस और नो कि खुशी खुशी दे दोगे बोलोगे कि नहीं बोलोगे ना तो बस वैसे यहां पर भी हो रहा है बेटा एटी रुपीज अब चीजें महंगी हो गई अब चीजें यहां पर हो गई महंगी महंगी हो रही तो यार हमको भी तो महंगा पड़ेगा ना हमको भी तो महंगा पड़ेगा ना अब एक चीज बताओ दोस्तों अगर ये डॉलर में ना खरीद के यदि हम रुपी में खरीदते अगर डॉलर में ना खरीद के यदि हम रुपी में खरीदते तो क्या ये हमको महंगा पड़ता या नहीं जल्दी से बता देना हाँ या ना करके बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमी का ये और ये सब कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए मेरा प्रश्न ये था मेरे प्रिय विद्यार्थियों यदि वन डॉलर इज गोल्ड टू सेवेंटी रुपीज है फिर $1 हो गया। अब मेरा प्रश्न है सर, मेरे को ईरान या फिर जो भी तेल वाले जो देश हैं, वो ये बोलते हैं हमारे साथ आरिफ खान सर भी जुड़े हैं सर वेरी गुड आफ्टरनून ठीक है चलिए तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई साहब अगर मैं तेल को रूपी में खरीदता हूं तो क्या मुझे महंगा पड़ेगा या फिर नहीं नॉट नहीं पड़ेगा क्यों पड़ेगा भाई क्यों पड़ेगा मेरा तो रुपया जितना उतना ही है ना नहीं पड़ेगा ऑफकोर्स नहीं पड़ेगा हाँ इन्फ्लेशन आ रहा है महंगा हो रहा है रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है वो बात की बात है उसको हम साइड में रख रहे हैं अभी उसको अभी हम साइड में रख रहे हैं ना जैसे कि पहले जमाने में क्या होता था आपके फादर लोग की सैलरी पंद्रह या पंद्रह ऐसे रहते थे अस्सी हजार तो वो वैल्यू अलग है उसकी हम बाद में बात करेंगे वो अलग चीज है अभी तो सिर्फ और सिर्फ करंट वाली बातें करो डॉलर और मिल जाएंगी चीजें करूं दोस्तों अभी अस्सी रुपये होगा तो यार हमको तो महंगा पड़ रहा है ना तो अभी अब इतना, इतना रेट इतना डाउन हो रहा है रुपया इतना नीचे गिर रहा है इतना नीचे गिर रहा है क्या बताएं कितना नीचे गिर रहा है तो फिर बोला जाता है भाई साहब ऐसा है ना कि तुमको मैंने बैठा के रखा है आरबीआई में बड़ा तुम कुछ करो सरकार बोलती है आरबीआई को कि यार तुम कुछ करो तुम कुछ करते क्यों नहीं आरबीआई बोलते ठीक है जनाब अपन कुछ करते हैं आप हरी झंडी देना बोला बिल्कुल क्या करोगे तो बोलता है कि भाई अब हम डॉलर में नहीं बेचेंगे अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करेंगे अपन भी फुल इज्जत रुपया बोलता है कि भैया अपन को भी फुल इज्जत चाहिए

एक होता है बेटा नौस्त्रो होता है एक होता है वस्त्रो होता है फिर से समझा रहा हूं बड़े प्यार से आराम से समझना अब ये नौस्त्रो और वस्त्रो क्या होता है एकदम आसान सी भाषा में बताता हूं मैं क्या होगा ना कि यदि आप कोई दूसरे देश के हो ये इंडिया है समझिएगा ये इंडिया है इसलिए हमने इसको वस्त्रो बोल दिया और इसको मैं क्या ले लेता हूं इसको कोई भी देश ले, ले लेता हूं जैसे हम तेल कहां से लेते हैं जैसे हमने यूएई से ले लिया हमने ईरान से ले लिया है ना जहाँ से भी ले लिया कहीं से भी ले लो कोई भी अरब कंट्री से ले लो आप यहां के लोग बोलते हैं कि दोस्त मेरे को तुम्हारे यहां अकाउंट खोलने क्या बोला आ जाओ बिल्कुल सुस्वागतम वेलकम आइए खोलिए फिर मैं बोलूंगा खोलता है, है लेकिन यार लेन देन जो तुम्हारा तुम जो करोगे ना तुम्हारी करेंसी सब इंडियन रुपीस में होनी चाहिए आई एन आर में होनी चाहिए भाई साहब आई बात समझ में बोले ऐसा क्या बोले हां जी बिल्कुल ऐसा तो आप इसको बोल दोगे वोस्त्र अकाउंट मतलब ये तुम्हारे हिसाब से करेगा मैं जा रहा हूं अकाउंट खोलने मैं हूं यूएई वाला मैं हूं ईरान वाला मैं इंडिया जा रहा हूं मैं इनके हिसाब से करूंगा तो तुम्हारे हिसाब से वस्त्रो मेरे हिसाब से नोस्त्रो अगर बोलते हैं नहीं मैं खोलूंगा अपन खोलेगा तेरे अंदर अकाउंट खोलेगा लेकिन अपन जो करेगा ना ट्रांजेक्शन भाई अपन जो चाहे उसमें करेगा तो ये हो जाएगा नोस्ट्रो मतलब मैं किसी की नहीं सुनूंगा मैं अपनी चलाऊंगा ये हो जाएगा नोस्ट्रो और ये हो जाएगा आप लोगों का वॉस्त्रो वॉस्त्रो मतलब भाई तू खोल रहा है खोल ले कोई दिक्कत नहीं है आजा आजा मेरी जान खोल ले बैंक खोल ले अकाउंट खोल ले लेकिन तेरे को इंडियन रुपीस को मानना पड़ेगा भाई तेरे को आई एन आर में करना पड़ेगा तेरे सारे ट्रांजेक्शन लेन देन एंड ऑल क्यों क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है ना कि तू मेरे से रुपए में खरीदे अब डॉलर फॉलर वाला केस नहीं चलेगा जिस दिन अरब कंट्रीज ने वॉस्टर अकाउंट खोलने शुरू कर दिए हमारे देश में तो भाई साहब फिर देखना फिर डॉलर बोलेगा ओ भैया गलती हो गई मेरे से माफ कर दो एक आता था ना छोटा बच्चा ओ भाई, भाई 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 गलती हो गई माफ कर दो तो ऐसा सीन हो जाएगा आप खुद सोचो ना सब चिढ़े हुए अमेरिका से पाकिस्तान चाइना रशिया तो इंडिया बोलेगा सबका पता रहेगा तेरा इंडिया करके ना चाइना का रशिया का लंका का मलेशिया का सबका बदला लेगा रहता रहे तेरे इंडिया कब अगर ऐसा हो पाया तो और अगर नहीं हो पाया तो फिर तो बेटा अमेरिका वाट लगा देगा फिर फिर अमेरिका वॉट लगा देगा ठीक है चलिए अब ध्यान से समझते हैं भाई ये मैंने आप लोगों को बता दिया वॉस्त्रो क्या होता है तुम्हारा और नोस्त्रो क्या होता है मेरा तो तुम्हारे हिसाब से कि इंडियन रूपीज के हिसाब से और नोस्त्रो मतलब हम अपने हिसाब से चलेंगे ठीक है अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा सर आप ये बोल रहे हो वो तो ठीक है सब चीज ओके है लेकिन सर एक चीज बताओ ऐसे में तो हमारे पास फॉरिक्स कम हो जाएगा सर ये हमारे पास तो विदेशी मुद्रा कम हो जाएगी ना जी तब आप कैसे करोगे फिर कैसे रोना रोगे? क्योंकि विदेशी मुद्रा के कारण ही तो हुआ यूं विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हुआ इसीलिए तो श्रीलंका कंगाल हो गया मतलब सर आप हमारे देश को कंगाल करना चाहते हो आप सर गलत पढ़ा रहे हो आरबीआई गलत कर रही है सर हम तो इसका विरोध करेंगे जी हम तो धरना देंगे जी ऐसा नहीं है दोस्त तो फिर कैसा है अब ध्यान से समझना ये तब काम आता है ना जब आप एकदम पिछड़े कंट्री रहते हो जब आपकी कोई सुनता नहीं है है ना जब आपकी कोई सुनता नहीं है मतलब ये होता है ना कि कोई भी घंटा है, कोई भी आके बजा के चले जाता है जब ऐसा चीज होता है बेटा तब ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तब इसका चिंता रखना पड़ता है अगर आप पावरफुल हो आप कर दो ना भाई आप डॉलर और इसको इक्वल कर लो फिर देखो ना फिर मत खरीदो तुम डॉलर में मत रखो डॉलर

क्यों नहीं होगा भाई खुद अपनी पूरी दुनिया को डॉलर में खिला रहा है यार ये तो तो खुद पूरी पूरी दुनिया दुनिया को डॉलर में में खिला रहा है। उसको क्या टेंशन होगा तो जिस दिन रुपीस में खेलने लग जाएगी हमको नींद नहीं पड़ेगी इसकी तो ये कारण है आई गेस आप लोगों को पूरा का पूरा कहानी समझ आ गया होगा समझ आ गया तो भाई एक बार थम्स अप ठोक देना एक सौ छिहत्तर वाचिंग है फिर से नहीं बोलूंगा बार बार बोलना हमको भी अच्छा नहीं लगता एक बार लाइक ठोक देना भाई अगर सबको समझ आया तो बढ़िया सा दिलविल बना देना फिर अपन आगे बढ़ते हैं ठीक है क्या चाय दिया भाई एकदम ठंडा चाय है दो घुट में पी गया मैं चलो बेटा तो आई थिंक यहां तक आप सभी को क्लियर है अब हम कर सकेंगे जो लेन देन है और इसके लिए हम लोग जितने भी छोटे छोटे चिंटू पिंटू जो देश है ना उन लोगों को हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी चिंटू पिंटू जो देश है ना हमारे पड़ोसी लोग उसको हम मनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अब हम बातें लेंगे हम यहां पर भूपेंद्र यादव जी की ये भूपेंद्र यादव जी जो गए हैं 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 पर गए गए ब्रिक्स पे मीटिंग करने के लिए वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन लोगों को दोस्तों याद रखना इस इसे तीन जो सेक्टर्स है उसको प्राथमिकता दी गई है एक तो बोला गया बेटा ग्रीन जॉब बोला गया ग्रीन जॉब मतलब घास काटना नहीं होता एक बच्चे ने कमेंट कर दिया था एक क्लास में पढ़ा रहा था तो बोलता है सर ग्रीन जॉब मतलब क्या हरी हरी घास को काटने को ग्रीन जॉब बोलते हैं क्या नहीं तो सर हरी पत्ती गिनने को बोलते नहीं ग्रीन जॉब का मतलब होता है मेरे दोस्तों ऐसा जॉब जो कि एनवायरमेंट से संबंधित रहे जो कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए उसको हम बोलेंगे ग्रीन जॉब तो ध्यान से समझना और यहां पर जब वर्ड एड हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एस के अंतर्गत हमारे पास ऑलरेडी कितने लक्ष्य रखे गए हैं सेवनटीन टारगेट्स रखे गए हैं जिसमें से भूखमरी कम करना गरीबी कम करना जेंडर इक्वालिटी की मैंने बातें कर ली एजुकेशन की मैंने बातें कर ली ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ठीक है इसके अलावा यदि मैं बातें करूं आप लोगों को तो यार बहुत बहुत बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है दो तक ये टारगेट को हमको अचीव करना है ऐसा बोला गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा तो भाई ऐसे चीज करना जिससे ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा दिया जा सके इसके अलावा यदि हम बातें करते हैं तो रेजिलेंट रिकवरी की उन्होंने बातें की हैं रिकवरी क्या होता है शॉर्ट में समझ लेना उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में आपको पता नहीं होता आर समझ में ऐसी आकस्मिक चीजें जिसके बारे में आपको पता नहीं होता और वो आ जाती हैं और उसके कारण आपको फिर पुनः सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल फिर से बनाना पड़ता है इसको हम बोलते हैं रेजिलेंट रिकवरी और ये करना बहुत ही इसेंशियल हो जाता है ये करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्तों ध्यान से समझना रेजिलेंस रिकवरी क्या होता है बहुत सारे मनुष्यों में रेजिलेंस रिकवरी का गुण पाया जाता है <laughs> बहुत सारे हमारे बीच जो स्टूडेंट्स हैं उनमें रेजिलेंस रिकवरी का गुण कैसे जब इन लोग कहीं किसी से ब्रेकअप करते जब किसी से अलग होते हैं ना तो तुरंत इनको एक नया साथी चाहिए रहता तुरंत मतलब एक दिन रह नहीं पाते बस दूसरे मतलब एकदम वेटिंग में रहता है अच्छा इससे हुआ चलो बेटा इसको ले लेते हैं इससे हुआ इसको ले लेते हैं तुरंत क्विक एकदम मतलब आपको रह नहीं सकते वैसे ये चीज होता है ये रह नहीं सकते घर टूटा तो बनाना पड़ेगा ये खत्म हुआ तो बनाना पड़ेगा ज्वालामुखी आया तो साफ करना पड़ेगा आप रह ही नहीं सकते फिर एक और रिकवरी क्या होती है सर जिसको आप आराम से कर सकते हो जैसे बहुत सारी रिकवरीज होती है जिसमें यदि हम उसको अगर टाइम पे भी ना करें थोड़ा लेट भी करते हैं ना तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है जैसे मान लेते हैं अगर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है अगर पक्की रोड नहीं बनी है लेकिन कच्ची रोड बनी है तो ठीक है चलेगा पक्की रोड आप कभी भी बना लो नो इश्यूज पक्की रोड आप कभी भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कच्ची रोड बना तो चलेगा इट्स ओके okay. तो ये रेजिलेंस में नहीं आएगा रेजिलेंस का मतलब होता है जिसको आपको तुरंत करना होता है क्विक ये आता है बेटा रेजिलेंस के अंतर्गत है ना हाँ तो मैं सबके नहीं बोला ना कुछ लोग होते हैं मैंने उसकी बातें करी सबकी बातें नहीं करी मैंने अब ध्यान से समझना नेक्स्ट जो रहता है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वर्कर्स जितने भी आप लोगों के श्रमिक लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना जैसे कुछ लोग रहते हैं अपने श्रमिकों के साथ गलत बर्ताव करते हैं तो गलत बर्ताव ना किया जाएगा उसके लिए इन लोगों को क्या करना सही सुरक्षा देना इनका क्या था मुख्य रूप से इनका एम था ठीक है ना चलिए ब्रिक्स की यदि मैं बातें करता हूं दोस्तों तो सबसे पहले एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ न तो जिम ओ निल ने दो में इस शब्द को गढ़ा था तब इन्होंने बोला था इसको ब्रिक के नाम में जाना था किसके नाम में ब्रिक के नाम में लेटर ऑन 2009 में इन लोगों के बीच एक संगठन बनता है 2009 में जिसको ब्रिक नाम देते हैं उसके बाद 2010 में एक और देश जुड़ जाता है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका और यहां से बनता है ये ब्रिक्स याद रखेंगे यहां से बनता है ये ब्रिक्स वहीं यदि हम बातें करते हैं तो इनके टोटल नाइन मेंबर्स ये तो पांच मेंबर ब्रिक्स में हो गए है ना इनका एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या नाम है इस बैंक का न्यू डेवलपमेंट बैंक और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल नाइन मेंबर हैं ये पांच तो रहेंगे ही रहेंगे ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका वो पांच रहेंगे ही रहेंगे उसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे यूएई हो गया उरुग्वे हो गया और कौन हो जाएगा आपका इजिप्ट हो जाएगा यानी कि मिस्र जिसको आप बोलते हो और एक हो जाएगा आप लोगों का बांग्लादेश ये चार नेशंस जो हैं ऑलरेडी एडेड हुए हैं याद रखिएगा है, है ना ठीक है तो चार लोग हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है ब्रिक्स का ही एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शंघाई में कहां पर मिलेगा शंघाई में तो ये तमाम चीजें आप लोगों को याद रखनी है ठीक है ओके दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की हम यहां पर बातें कर लेते हैं क्या कहता है अगला न्यूज अच्छा इसकी जो अध्यक्षता है ये कैसे करी जाती है ये अल्फाबेटिकल जैसे लास्ट टाइम इंडिया ने किया था अब इस बार चाइना कर रहा है फिर नेक्स्ट में प्रोबेबली आपका साउथ अफ्रीका करेगा तो 2021 का इंडिया 2022 का चाइना और 2000 नेक्स्ट जो रहेगा सॉरी 21 इंडिया 22 चाइना 23 साउथ अफ्रीका नीति आयोग के जो सीईओ अमिताभ कांत हैं, वो जी ट्वेंटी के नए शेरपा बनाए गए हैं पूर्व सीईओ हैं है ना तो सबसे पहले तो मेरा एक प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थियों इन्होंने बोला पूर्व नीति आयोग के सीईओ तो यार ये बताओ मेरे को अभी सीईओ ऑफ नीति आयोग अभी कौन है जल्दी से बताना नीति आयोग के जो सीईओ हैं अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं मैंने कई बार अपने सेशन में आप लोगों को पढ़ाया भी है बताया भी है सो द प्रेजेंट सीईओ ऑफ द नीति आयोग राकेश कुमार साहू रुको जरा सबर करो मेरे दोस्त मैं यहाँ पर आने वाला हूँ है ये तो ऐसा होता है यार कि बस एकदम जैसे ही आता हूं अरे सर ये क्या सर 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 सर, सर, सर 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 बता दो सर सर का एक ही मुंह है बेटा और सर एक लिमिटेड स्पीड से बोल पाएंगे फिर अगर मैं स्पीड को मैं अपना मैक नंबर पे अगर बोलने लगूंगा ना फिर।, फिर, फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा पांच मिनट में सेशन खत्म फिर समझ रहे हो मैक नंबर फाइव की स्पीड से बोलता हूँ फिर मैं एकदम खतरनाक पट पड़ 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 पढ़ ऐसा फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा फिर तो थोड़ा सा सबर कर लो ठीक है बताओ कौन हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर यस वेरी गुड परमेश्वरन अयर बेटा लिख लो जिन बच्चों को नहीं पता है न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग नया जो सीईओ है वो कौन है परमेश्वरन अय्यर अच्छा ये सीईओ की हमने बातें कर ली अब एक चीज बताओ मेरे को अगर हम बातें करते हैं, दोस्त नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन ये कौन है उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो है उपाध्यक्ष जो है वो कौन है उसका भी नाम बता दो वो भी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने जल्दी से बताओ मेरे दोस्त उपाध्यक्ष की हम बातें कर रहे हैं यस सुमन बेरी जी याद रखना कौन है सुमन बेरी जी और ये महिला है कि पुरुष है ये भी बता दो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है यार हमारे इंडियंस नाम ऐसे ही रहते हैं मतलब मेरे तो बहुत सारे दोस्त के नाम ही ऐसे एक का नाम किरण है वो भी लड़का है सुमन है वो भी लड़का है ठीक है ना और एक और कीर्ति है वो भी लड़का है मेरे दोस्त सच बता रो मजाक नहीं करो मेरे फोन कॉन्टेक्ट में दिखा दूंगा आप लोगों को सुमन कीर्ति और क्या बताया मैंने एक और है ना तो किरण वो सब के सब लड़के हैं ठीक है तो नाम ऐसे ही रहता है बेटा ये मेल है याद रखना सुमन जो है ना वो लड़का है लड़की नहीं है ठीक चलिए आगे हम, अरे मिल मत लिखो भाई कुछ लोग मिल लिख दे रहे हैं मिल मतलब भोजन होता है दोस्त है ना तो ऐसी पूरी मतलब एम बी ए मत करो इसकी ठीक है वार्ट मत लगाओ ये होता है, है ना? मेल होता है ऐसा लिखो इसको ठीक है भोजन वोजन मत लिख देना चलो आगे बढ़ते हैं फिर ये भाई साहब मेरे को चमकाएंगे भाई तुम क्या पढ़ाते हो तुम्हारे वाले बच्चे क्या क्या लिखते हैं करके ठीक है चलो दोस्त आगे हम लोग बातें कर लेते हैं नेक्स्ट है अब शेरपा क्या होता है हाँ अब आते हैं ना भाई शेरपा पे शेरपा पे आप यार एकदम मतलब आते सर 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 करने लग जाते हो शेरपा मतलब क्या है मेरे दोस्त जिनको ना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा जाता है मतलब भाई तुम्हारा कुछ काम नहीं है तुम एक काम करो तुम जाओ वहां पे जी ट्वेंटी में क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है ना उसको तुम देखो करके आ है समझ में तुम यहाँ से अब तुम 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 तो यार रिटायर हो चुके हो तुम तो सीईओ तो थे नहीं अब तो तुम सीईओ रहे नहीं अब तुम तुम क्या करोगे खाली ठेला बैठे रहोगे इधर उधर दिमाग लगाओगे है ना फालतू ट्वीट वीट करोगे इधर उधर क्या पता है ना खुन्नस उन्नस निकालोगे उससे अच्छा एक काम करो जाओ बेटा तुम बढ़िया सा तुम इधर जाओ और तुम शेरपा बन जाओ शेरपा का मतलब होता है इंग्लिश में भी हम शेरपा बोलेंगे हिंदी में भी शेरपा बोलेंगे शेरपा का मतलब होता है यू आर गुड गर्ल ओके वेरी गुड अच्छा किरण आप महिला हैं हाँ थैंक यू सो मच ओके कोई दिक्कत नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा मैं कहीं और की बात कर रहा तो उनको बोला गया कि भैया तुम जाओ और वहां पे तुम परमानेंट रहोगे तुम जी ट्वेंटी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा तुम उसको देखरेख करना ये हो जाता है आप लोगों का सिरपा हाँ एक्स सिरपा जो है पीयूष गोयल है उसको हटाया गया अतिरिक्त जिम्मेदारी उसको हटाई गई याद रखना अब ध्यान से समझना मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपने सोचा होगा सर पीयूष गोयल को हटा दिए ठीक है जी ट्वेंटी का जो सम्मेलन होना है 2022 चलो इसका बताओ मुझे को आंसर कर लो 2022 हजार जी सम्मेलन आंसर करिए जल्दी फटाफट फड़, 2022 थाउजेंड सम्मेलन कम जी सम्मेलन गाइस आंसर तो ये जो रहेंगे ना ये जो रहेंगे इनको बनाया गया है 2022 की मैं बातें कर रहा हूं आप लोग 2023 में बोल रहे हो है ना ठीक है Yes. देखो ध्यान से समझना दोस्तों यहां पर जो चीजें बोली जा रही है पहले अभी तय था इंडोनेशिया में क्या बोलू मैं इंडोनेशिया में बट अभी ऐसा बोला जा रहा है कि ये आपका नेक्स्ट जो रहेगा बोला है ना ठीक है ये थर्टी ऑफ सॉरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में जो रहेगा वो इंडिया के लिए फिक्स है याद रखना और ये वाला जो है ना ये वाला ये इंडोनेशिया के लिए कन्फ्यूजन मत होना बाईस बोला जा रहा है इंडोनेशिया के लिए और ये बोला जा रहा है तेईस वाला जो है वो इंडिया के लिए चूंकि इंडिया अब जस्ट ज़्यादा समय बचानी है इसलिए अभी प्रस्तावित है ये अभी प्रस्तावित है जो चीज़ें बोलना चाह रहे हो ध्यान से ना बाईस फॉर द इंडोनेशिया बाली एंड ट्वेंटी थ्री फॉर द इंडिया जम्मू कश्मीर ये प्रस्तावित है जिस दिन होगा जिस दिन जो जहां होगा वो अपन देख लेंगे ये दोनों के दोनों डेटा याद रखना प्रस्तावित यानी कि प्रपोज्ड हैं ठीक है सो ट्वेंटी टू फॉर द इंडोनेशिया एंड ट्वेंटी थ्री फॉर द इंडिया यहां पर होना है इसलिए इनको शेरपा बनाया जा रहा है शेरपा का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया जो वहां पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वहां पर जो देख रेख करेगा वहां पर जो रहेगा अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहां पर मैं कर लेता हूं दोस्त कि कौन कौन इसमें शामिल थे पीयूष गोयल को वहां से हटाया गया यानी कि उनको रिप्लेस किया गया शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर सुरेश प्रभु मंत्री और मोन्टेक सिंह आहलू वालिया ये भी एक अध्यक्ष सॉरी उपाध्यक्ष हुआ करते थे इनको यहां पर शामिल किया गया है ठीक है इनको यहां पर शामिल किया गया है राइट चलिए अब ध्यान से समझते दोस्तों ये आप लोगों को आ गया जी ट्वेंटी नेशन कितने नेशन हैं इन नेशन की यदि मैं बातें करूं तो यहां पर आप लोगों को टोटल ट्वेंटी नेशन बोला जरूर जाता है बट होता यू है जैसे ध्यान से समझना अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कैनेडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान मैक्सिको रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया टर्की यूनाइटेड किंगडम अब यहां पर रिपीट हो जाएगा देखना यूनाइटेड किंगडम भी बोल रहा है और यूरोपियन यूनियन भी बोल रहा है तो यार यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी कुछ देश शामिल हैं जैसे कि मैं बातें कर लिया ये फ्रांस वैसे भी शामिल है तो ये रिपीट हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यूके में वैसे भी चार देश हैं तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ यदि नेशंस आपको पूछे तो याद रखेंगे आप लोग नाइनटीन कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन ईयू इनसे मिलकर बना हुआ है आप इस प्रकार से आप बोल सकते हो 19 देश 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन क्योंकि एक यूनियन है और बाकी के बाकी यूनियन नहीं है ठीक है आइए आगे हम लोग बातें कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की हम बातें करेंगे यानी कि आप लोगों का जो वैश्विक लैंगिक अंतराल होता है ये काफी महत्वपूर्ण है यदि हम बातें करें यहां पर इंडिया की जो रैंकिंग है वो पिछले रैंकिंग की तुलना में सुधार तो नहीं बोलेंगे है ना लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंताजनक है अब यदि हम बातें करते सर क्या क्या आधार यहां पर लिया जाता है किन किन चीजों को बेस लिया जाता है तो याद रखेंगे मेरे दोस्तों चार चीजों को यहाँ पर जो है बेस लिया जाता है सबसे पहला होता है आप लोगों का इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एंड

नेचुरल शराब गांजा चरस बीड़ी एंड ऑल वो सब पियोगे वो तो भाई जल्दी निपट जाओगे वो अलग बात है ना नेचुरल डेथ में महिलाओं की जो डेथ है वो जल्दी हो जाती है क्योंकि इनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है है ना चाहे मंथली साइक की आप बातें कर लो चाहे बहुत सारी चीजें रहती हैं इनको थोड़ा सा फेवर मतलब इनको थोड़ा सा सामना करना पड़ता है दैट इज इनका थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज होता है तो यह भी देखा जाता है पॉलिटिकल यानी कि राजनीति में कितनी सक्रियता है इनकी भी बातें यहाँ पर करी जाती हैं इन सब चीजों को आधार बनाकर एक लिस्ट निकाला जाता है और इसके आधार पर फिर ये लिस्ट लेकर आते हैं और देखते हैं कि हां जी ये ये लिस्ट आया है और ये ये रैंकिंग हमारी रही है तो इंडिया की यदि हम बातें करते हैं मेरे दोस्तों तो दो के लिए हम एक कितने में टोटल 146 में 146 देशों में हम 135वें नंबर पर है भाई यानी कि नौ देश बस हमसे पीछे हैं एक देश है जो अफगानिस्तान वो हमसे पीछे तो भी पीछा रहता है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में नो no डाउट हम वन फोर्टी पर थे एक सौ छप्पन में एक सौ चालीस थे सो दिस इज नॉट एन इंप्रूवमेंट हम इंप्रूवमेंट नहीं बोलेंगे छप्पन में चालीस टोले थे पीछे से सोलह नंबर पे थे यहां पर पीछे से नौ नंबर पे हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति हमारे लिए चिंताजनक है स्कोर यहाँ पर दिया हुआ यू कैन सी फ्रॉम हियर है ना यहाँ से वो सारे के सारे आप देख सकते हो ठीक है और यदि मैं आपको बातें करूं दोस्तों ये आप लोगों को पूछा जा सकता है ये काफी महत्वपूर्ण है ये काफी इंपॉर्टेंट है हेल्थ एंड सर्वाइवल के मामले में पूरे देशों में हम सबसे लास्ट स्थान पे हैं एक अभी मैं बोल रहा था ना हम इंडियंस जो लोग हैं हेल्थ के मामले में सबसे नीचे महिलाओं की मैं बातें करो तो हेल्थ और सर्वाइवल के मामले में सबसे नीचे हम लोग वी इंडियंस आर हियर 146 ठीक है इसके अलावा यदि दोस्तों मैं यहां पर बातें करता हूं तो ये बाकी के है जिसकी हमने बातें करी थी ये हो गया आपका फिनलैंड नॉर्वे स्वीडन हमेशा इन लोग टॉप फाइव में रहते हैं आइसलैंड भी है यहाँ पर न्यूजीलैंड भी है तो ये आपके टॉप फाइव नेशन है आप लोगों को याद रखना आइसलैंड फिनलैंड नॉर्वे न्यूजीलैंड एंड स्वीडन राइट चलिए आगे यहाँ पर हम लोग बातें कर लेते हैं इसमें जो अफगानिस्तान है वो सबसे परफॉर्मेंस वाले देशों में है और सबसे खराब प्रदर्शन वाले में अव्वल नंबर पे है ठीक है यानी कि सबसे नीचे है ये इसके अलावा यदि यहां पर हम बातें करते हैं तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण ने प्राधिकरण ने एक नया चीज आप लोगों के लिए लेकर आया है और जिन बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि सर अपना करंट अफेयर कल कुछ कुछ ऐसा नहीं बटा मैं हमेशा बोलता हूं हर सेशन में आपको नई जानकारियां मिलेंगी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलेंगी और अभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बची हुई है अभी तो लगभग हमने फिफ्टी परसेंट किया है अभी लगभग फिफ्टी हमारा और बचा हुआ है यहां पर यदि मैं बातें करूं तो एक नया गाइडलाइन जो है जारी किया गया है इसका

जिसको हम लोग बोलते हैं सेवा कर तो यार ये सेवा कर जो रहता है ये कैसा कर है ये प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है ये डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है पहले ये बताओ मेरे को सेवा कर जो होता है वो डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है जल्दी से आंसर बताइएगा ठीक है चलिए सो सर्विस टैक्स इज द इनडायरेक्ट टैक्स याद रखिएगा ठीक है ना सेवा कर जो होता है सर्विस टैक्स होता है वो होता है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है सर एक बार शॉर्ट में बता दो तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर केवल इतना होता है ऐसा टैक्स जिसको आप सीधा सीधा तौर पर पे, पे, पे करते हो वो कहलाता है डायरेक्ट और ऐसा टैक्स जिसको आपको पे करते समय आपको पता ही नहीं चलता वो कहलाता है इनडायरेक्ट नहीं समझ आया नहीं समझ आया मैं समझाता हूं जैसे आपका इनकम आता है इनकम आने के बाद आप उस पर फिर से टैक्स देते हो इनकम आपका आया पैसा आया उसके बाद आपने उस पर टैक्स दिया ये हो गया डायरेक्ट टैक्स आपने सामान खरीदा आपने सामान खरीदा है ना सामान खरीदते वक्त आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ पे कर देते हो पूरा का पूरा पैसा एक साथ पे करते हो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपको पता नहीं होता कि उसमें आपने कुछ पैसा भी दे रखा है ये कहलाता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है सो so ये किसके अंतर्गत आएगा ये आ जाएगा आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाएगा तो सर्विसेज टैक्स तो ठीक है लिया जाता है जैसे यदि आप एसी में ट्रेवल करोगे तो एसी में ट्रेवल करने के लिए आप लोगों से सर्विस टैक्स जो है वो वसूला जाता है अभी सर्विस चार्ज क्या है सर्विस चार्ज मतलब ये सुविधा जैसे आप लोगों को कई बार आपने देखा होगा डिलीवरी चार्ज आप लोग लेते हैं कितने लोगों ने डिलीवरी चार्ज दिया है सर आंसर करिएगा हाउ मेनी ऑफ यू आप सब ने डिलीवरी चार्ज दिया होगा तो जो डिलीवरी चार्ज रहता है उसी को आप लोग बोलते थे बेटा सर्विस चार्ज आपकी सर्विस की गई है आपको सुविधा दी गई है इसलिए आपने उसको चार्ज किया लेकिन ये वाला दूसरा है वो वाला दूसरा है कैसे दूसरा है सर ध्यान से समझना ये वो सर्विसेज चार्ज की बात कर रहा है जो कि रेस्टोरेंट में जैसे देखो ये भाई साहब ने खाना खाया कितने का खाया चार हजार एक सौ सत्तर रुपए का इसने खाया चार हजार एक सौ सत्तर रुपये का इतने में तो हमारे चार कोर्स आ जाएंगे भाई इतने में तो अद्वैत एजुकेशन के चार कोर्स आ जाएंगे जितना ये खा के उड़ा दिया एक दिन में है ना मतलब चार लोग चार लोग जितना कोर्स लिए होंगे यहाँ पर उतने में भाई साहब खाना खा के उड़ा दिया ठीक है चलिए तो ये ये चार हजार एक सौ सत्तर का इन्होंने बिल बना इसका भाई का और इस भाई का जो बिल बना ना उसमें सर्विस चार्ज इसने दिया तीन सौ इक्कीस क्या बात है तीन सौ इक्कीस रुपये इन्होंने दिया ठीक है और ये था दस परसेंट जितना भी लगा उसका टेन परसेंट अब यार ये जो है ना ये कंपल्स क्या क्या खाए उसको छोड़ दो राइस पुलाव एंड डाल इस, इधर मत देखना बेटा ना ये आप लोगों के काम का नहीं है इसको मत देखना आप लोग ठीक है अब इन्होंने भाई ने जो जो खाया उसका टोटल बिल बन गया फलाना फलाना अब कितना खाया क्या क्या वो बताने की निर्णय है उसमें रेस्टोरेंट में जब आप जाओगे ना तो आपसे ये चार्ज वसूला जाता है आपके बिल में थमा दिया जाता है अच्छा एक और चीज़ होता है जैसे इस प्रकार के लोग आपको कई बार नजर आते होंगे वेटर्स तो भाई और ना पहले उसको देखेंगे फिर आपको देखेंगे फिर उसको देखेंगे फिर आपको देखेंगे मतलब ऐसा लगता है कि भाई दस रुपए पकड़ा दू और पीछा छुड़ाऊं करके तो खतरनाक घोर मतलब अजीब किस्म के भी प्राणी रहते हैं इन लोग ठीक है तो भाई इन लोगों को भी कई बार देना पड़ जाता है टिप तो ऐसी चीजें होती है तो इन लोगों को तो टिप मत देना भाई ऐसे टाइप के जो वेटर रहते हैं तो जिन ये जो अब से रहेगा ना ये स्वैच्छिक रहेगा ये मतलब आपका क्या रहेगा ये आप लोगों का आप लोगों का वॉलंट्री रहेगा मतलब आप जो है उसको आ, अपने से दोगे तब ठीक है आपके फोर्स नहीं किया जाएगा याद रखना बेटा आपके ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा अफकोर्स एक्सपीरियंस तभी बता रहा हूँ भाई मैं ठीक है ना चलिए हाँ अब एक चीज समझना मैं जिस चीज आप लोगों को बता रहा हूं मैं वो ध्यान से ठीक है वो चीज क्या बता रहा था वो ये बता रहा था कि जब हम टिप की हम बातें करते हैं यहाँ पर तो बेटा इन लोग एक और चीज करते हैं कभी आपने नोटिस किया होगा तो बहुत से लोग करते हैं मैं तो गरिया देता हूँ आप जैसे ही जाके बैठते हैं ना इन लोग मस्त एकदम बिसलरी का ठंडा बॉटल ला के रख देंगे बिना बोले ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ठीक है ना क्यों भाई <laughs> पचास से कम नहीं पकड़ते अच्छा ऐसा है क्या ठीक है हम अरे हमारे साथ क्या नहीं हुआ है हमारे साथ तो दुनिया की सारी घटनाएं हुई हैं है ना हम तो दुर्घटनाओं से मतलब बोलते हैं ना हम तो इतने सारी घटनाओं से निकल के आगे बढ़े क्या ही बोले आपको आप जाओगे एकदम बिचलरी का ठंडा ठंडा चिल्ड बॉटल रखेंगे बिना बोले बिना बोले और भाई आप किसी के साथ गए हो ना समझ रहे हो ना अगर आप किसी के साथ गए हो समझ गए ना इसका मतलब मैं कोड में लिखता हूं बेटा आप समझ लो आप इसीलिए मैंने कोड में लिख दिया अगर आप किसी के साथ गए हैं और अब चाहे ये इसके साथ गया हो चाहे ये इसके साथ गया हो कौन किसके साथ गया है किसी के साथ जाओगे तो बेटा अरे यार ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं है ना ठीक है चलो जब आप किसी के साथ जाते हो ठीक है तो यार ये बॉटल धरा देते हैं लोग रख देते हैं बाद में जब बिल आएगा तो जबरदस्ती का बीस रुपए एडिट करते हैं मैं तो बोलता हूं भाई मैं तो मांगा नहीं था तुमको पानी का बॉटल तुमने कहा दिया मैं तो उसको बोलता हूँ कि भाई तुमने हाँ लास्ट में लोग जोड़ दे मैं तो भाई तुमसे मांगा नहीं था तुमने काय को दिया तो बोलता है आपने पिया भाई आपकी गलती हमको लगा आपने कॉम्प्लीमेंट्री दिया होगा कई बार सलाद वलाद दे देते हैं तो आप भी ऐसी करना मत देना पैसा अगर बिना बोले बोलना बताओ कैमरा चेक करके बताओ मैंने कहीं मंगाया तुमको बॉटल नहीं ना वैसे मैं तो भाई कल के डेट में तुम फिर वो पनीर भुर्जी बोलूंगा फिर तुम साला बाद में सिजवान राइस ला के रख दोगे वेज सिजलर ला के रख दोगे बोलता है हम तो बोले नहीं थे ना हम तो बोले नहीं थे तुमने काहे को दिया तो आप भी ऐसा करना ठीक है चलिए तो आप देना मत पैसा मत देना बेटा भी और कुछ ज्यादा नाटक होगा ना तो आप 1915 पे कॉल कर लेना 1915 जो नंबर रहता है उस पर कॉल करना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है सीपीए के तहत ये अनुचित है ये आपसे जबरदस्ती नहीं वसूला जा सकता अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल उस पर क्लेम कर सकते हो ज्यादा नाटक हो रहे तो 1915 पे आप कॉल कर सकते हो अब यहां पर हम बातें करेंगे भाई आइए समझते हैं है ना किसकी बात करूंगा मैं बातें करने वाला हूँ विमलंडन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इंपॉर्टेंट है फाइनल ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे ये जो फाइनल है काफी इंपॉर्टेंट है कई बार मैंने ऑलरेडी सेशन में बता रखा है ये जो फाइनल जो हुआ इसमें नॉवक जोकोविच अच्छा ये जो नोवाक जोकोविच है कहां के रहने वाले सर कमेंट करके बताओ मेरे को नोवाक जोकोविच जो है वो कहा के रहने वाले सर कमेंट करके बताइए ठीक है चलिए हाँ जी पूरे वीक का कवर हो जाता है यस पूरे वीक का मैं कवर करता हूं जो इंपॉर्टेंट होता है देखो कुछ कुछ चीजें नहीं लाता हूं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मैं उसको कंपेयर मतलब पूरा लेके आता हूं मैं यस वेरी गुड तो ये यार यार स्पेन के से जाएंगे ही बिलोंग्स फ्रॉम द सर्बिया ये कहां से हैं ये सर्बिया के हैं याद रखना ही बिलोंग्स फ्रॉम द सर्बिया सर्बिया से बिलोंग करते हैं और ये इनका इक्कीसवा स्लैम है भाई इसमें और रफेल नडाल में चल रहा है काटे का टक्कर याद रखना इसमें और नडाल में चल रहा है काटे का टक्कर ये इनका ट्वेंटी फर्स्ट ग्रैंड स्लैम अवार्ड है इक्कीसवा ग्रैंड स्लैम है है ना इक्कीसवा ग्रैंड स्लैम है और ये मैंने ऑलरेडी एक सेशन में पहले ही पूरा डिटेल बताया है आज के सेशन में मैं नहीं बताऊंगा केवल शॉर्ट में बताऊंगा ग्रैंड स्लैम मतलब होता है मेरे दोस्तों चार ओपन होता है कैसे याद रखेंगे अ फ्रेंच फ्रेंच इज प्लेइंग इन यूएसए एक फ्रेंच महिला है जो कि यूएसए में खेल रही है ए फॉर क्या हो जाएगा बेटा ए फॉर सभी के सभी बोलो एक साथ ए फॉर एप्पल है ना है ना ए फॉर एप्पल ना नहीं ऐसा बोलोगे तो फिर टाटा गुड बाय हो जाएगा ए फॉर ऑस्ट्रेलिया एफ फॉर फ्रेंच या फिर फ्रांस डब्ल्यू फॉर विंबलडन और यू फॉर यूएस ओपन ठीक है तो ये चीज याद रखना है ना ए फॉर ऑस्ट्रेलिया एफ फॉर फ्रेंच डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू फॉर विमलंडन एंड ए, युए, से हो जाएगा आपका यूएस ओपन ठीक है ना तो ये चीज याद रखना ये सिक्वेंसिंग होता है इन लोगों का तो अभी आप लोगों का रिसेंटली फ्रेंच ओपन हुआ था जिसमें से नडाल भाई साहब जीता था मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था अभी विबलंडन हुआ इसमें जोकोविच जीता है और इनका एक है राफेल नडाल का कितना हो चुका है बेटा बाईस हो चुका है मतलब इससे जस्ट एक नीचे है याद रखियेगा जस्ट एक नीचे है तो ये सारी की सारी चीजें मैंने पूरी बताई है कौन कब आया कैसे हुआ है ना दूसरे यदि हम बातें कर लेते हैं तो किसको हराया था तो निक किरजीओस को इन्होंने हराया था किसको निक किरिजियोस को, राइट अब ध्यान से समझना पहला से दूसरा जीता, जीता, तीसरा चौथा भी जीत गया, चारों के चारों सेट जीत गया। पहला हारा, उसके बाद बाकी तो यार, यार चौथा जीता है किसको किसको हरा कर सॉरी किसको किसको पीछे रोजर फेडरर, पिट बोर्ग इसके बाद लगातार चार विम्बलडन जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं लगातार चार विबलंडन जीतने वाले ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं और यदि मैं बताऊं दोस्तों इन चारों टूर्नामेंट में फ्रेंच ओपन यूएस ओपन सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन फिर है आप लोगों का फ्रेंच ओपन फिर विबलंडन फिर यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है आप लोगों का हार्ड कोर पे खेला जाता है फ्रेंच ये खेला जाता है आप लोगों का क्ले पे यानी कि लाल मिट्टी पे खेला जाता है विबलंडन यानी कि घास के मैदान पे ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और यूएस ओपन भी खेला जाता है आप लोगों का हार्ड कोर पे तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग ये चीजें आप लोगों को पूछी जा सकती हैं सरफेस वाला बता दिया मनीष मैंने ये सरफेस वाला है आप देख सकते हो यू कैन सी फ्रॉम हियर ये आप लोगों का हार्ड वाले मैदान पे टर्फ जो रहता है उस पर खेला जाता है ये भी टर्फ पे खेला जाता है ये आप लोगों का मिट्टियों पे खेला जाता है लाल मिट्टी पे और वे लंडन खेला जाता है घास के मैदान पे कौन कब आया था पहले आया था मैंने ऑलरेडी एक सेशन में बताया है पीडीएफ भी अवेलेबल है जीएस विद तरुण सर में भाई दोनों के दोनों लिंक आप यहाँ पर शेयर कर दो अद्भाद एजुकेशन एंड जीएस विद सर का डाल दिए एक बार और डाल देना तो आप लोग इसमें जुड़ेंगे तो आप लोगों को पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगा पीडीएफ जो है मिल जाएगा इसके बाद यहां पर हम बातें कर लेते हैं हमने बता दिया विबलंडन चैंपियनशिप को द चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पुराना बेटा याद रखना यह सबसे पुराना है किसके रूप में जाना जाता है इसको द चैंपियनशिप के रूप में याद रखिएगा किसके रूप में द चैंपियनशिप में और विबलंडन यानी कि यह होता है इंग्लैंड में इंग्लैंड के लंडन में याद रखना दोस्तों ये सारी की सारी चीजें पूछी जाएंगे इंग्लैंड के लंडन में होता है पेरिस में होता है फ्रेंच ओपन ठीक है मेलबर्न में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन तो इसी प्रकार से ये होता है आप लोगों का लंडन में अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है यूएस ओपन कहां पर होता है इसका कमेंट आप लोग अभी मत करना इसका कमेंट आप लोग करना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन ऑफ द डे यूएस ओपन किस सिटी में किया जाता है लंडन में होता है आपका लंडन ओपन पेरिस में होता है आपका फ्रेंच ओपन मेलबर्न में होता है आप लोगों का ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपको कमेंट करके बताना दोस्तों यूएस ओपन जो होता है वो कौन से सिटी में होता है और ये विमलिंडन सबसे पुराना है यहां पर नाम दिया गया है दोस्तों उन लोगों का इन नाम को जरूर याद रखना नोवाक का नाम हो गया निक का नाम हो गया ये ओन्स का नाम हो गया एलेना का नाम ये सारे के सारे नाम आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और स्क्रीन शॉट लेना तो आप स्क्रीन भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो ये दोनों के दोनों चीजें जरूर ले लीजिएगा इसके बाद यदि हम बातें करते हैं दोस्त तो ये है आपके नोवाक भाई साहब और ये जो खिलाड़ी जो नजर आ रही है मात्र 23 इयर ओल्ड कितने साल की हैं केवल 23 इयर की हैं 23 वर्ष की हैं बेटा याद रखना ठीक है ओनली 23 इयर ओल्ड ठीक है चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं तो ये है ये महिलाओं में जो जीती है, क्या नाम है इसका एलेना नाम है बेटा याद रखेंगे एलेना रिबकानिया सॉरी एलेनिया रिबाकीना ठीक है ना एलेनिया राइबाकीना और वो हैं आप लोगों के नोवाक जोकोविच इसी क्रम में एक और मैं बातें कर लेता हूं इंडिया से संबंधित है भारत के अर्जुन बाबूता ने याद रखना भारत के अर्जुन बाबूता ने यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड कप में सर इन्होंने ठीक है ना वर्ल्ड कप में क्लासेस कब तक चलेंगी जब तक है जान तब तक क्लासेस चलेंगी दोस्त पता नहीं आई डोंट नो देखते हैं लेट्स सी तो इन्होंने क्या जीता है इन्होंने जीता है गोल्ड याद रखना किसको हराया है अमेरिका के लुकास केजेनिस्की को इन्होंने हराया है और गोल्ड जीता है यदि मैं तालिका की मैं बातें करूं पदक तालिका की तो इंडिया जो है दोस्तों वो नंबर वन पर रहा है पदक तालिका की यदि हम बातें करते हैं तो इंडिया जो है नंबर वन पर रहा है यह चीज आप लोगों को पूछा जा सकता है ठीक है और एक और सेकंड कमेंट सेकंड आप लोगों को आंसर करना है कि ये जो चैंपियनशिप है वो कौन से देश देश में हुआ या फिर उस देश के कौन से सिटी में हुआ क्वेश्चन नंबर टू है इन दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है क्वेश्चन लिख के रख लिए रहो आप लोग ठीक है ना यस हाँ जी बिल्कुल ये एलिना जो है कजाकिस्तान की और पहली महिला है कजाकिस्तान की जिन्होंने भाई इसको जीता है ठीक है चलिए तो बेटा याद रखना और क्वेश्चन जो मैंने पूछा आप लोगों को बताना है कि यूएस ओपन है कौन सी सिटी में होता है और ये जो गेम खेला गया था आई एस एस एफ के तहत ये कौन सी सिटी में कौन से देश में खेला गया था ये दूसरा आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है ये भाई साहब है इसका नाम याद रखना अर्जुन बाबूता क्या नाम है इनका अर्जुन बाबूता और उसके बाद हम आगे न्यूज की यहाँ पर हम बातें करते हैं अगला न्यूज कौन से खेमे से रहने वाला है नेक्स्ट न्यूज जो रहने वाला है भाई यहाँ श्रीलंका से संबंधित है श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो भाग चुके हैं और उसका जगह किसी दूसरे ने ले लिया किसने ले लिया है रानी ले ने ले लिया है। है तो इमरजेंसी में यदि करूं तो क्या क्या चीजें कारण थी क्या क्या चीजें इसके लिए बैकग्राउंड के लिए जिम्मेदार थी तात्कालिक कारण और कुछ इमीडिएट कारण होते हैं और कुछ आपके पास्ट कारण होते हैं इमीडिएट कारणों की यदि बातें करता हूं तो दो में जब कोविड आया था उस समय इसकी स्थिति ख़राब हो गई थी चाय रबर वगैरह जितने भी इन लोग निर्यात करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं उनको इन्होंने पूरा का पूरा ठप हो चुका था वही यदि मैं बातें करता हूँ टू तो में घटना हुई थी जहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मारे गए थे अल्पसंख्यक समुदाय जिसको हम बोलते हैं माइनॉरिटीज लोग जब मारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज रॉन्ग चला जाता है और ऐसे केसेस में इंटरनेशनल मीडिया ने इसको और ज़्यादा तरीके से कवर किया और जितने भी टूरिस्ट लोग थे वहां पर आना बंद कर दिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ श्रीलंका के टेन परसेंट में टेन से अधिक जी में केवल और केवल टूर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता था दस का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होना इसका मतलब हो जाता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना इंडिया की जो फॉरेन करेंसी होती है याद रखना विदेशी मुद्रा भंडार जिस थोड़ी देर पहले हमने अभी बातें करी थी तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जिसको आप लोग फॉरेक्स के नाम से जानते हो तो सो ये सत्तर परसेंट तक कम हो गया मतलब यदि कभी सौ डॉलर रहा होगा तो लगभग दो बिलियन डॉलर तक आके खत्म हो गया और इस प्रकार से मेरे दोस्तों यहां पर आ गई बहुत बड़ी विपदा और इस विपदा से श्रीलंका उभर नहीं पाया आई एम एफ लोन से लोन लोन पे लोन लोन पे लोन लेते रहा रही सही जो कसर है वो इनकी कुछ नीतियों ने पूरी कर दी इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब ऐसा है ना कि यार तुमने जो जैविक खेती वगैरह जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक

चलिए आगे यहां पर हम बातें कर लेते हैं दोस्तों ये जो है श्रीलंका में यदि ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही है तो भारत क्या कर रहा है भारत कर सकता है नेबरहुड की नीति अपना सकता है या फिर यदि मैं बातें करता हूं तो जितने भी एक्सपोर्ट आइटम श्रीलंका के खत्म हो चुके हैं या फिर श्रीलंका से जो नहीं जा रहा है उसको हम वापस हम अपने जगह साबित कर सकते हैं जैसे कि गेहूं के निर्यात की हमने बातें करी गेहूं का निर्यात जब वहां से कम हो रहा था तो हमने थोड़ा सा उसको बढ़ावा दिया वैसे चाय के निर्यात की हम यहां पर बातें कर सकते हैं आइए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की सेक्शन की तरफ क्या कहता है अगला जो न्यूज़ है मुस्ताफिजुर रहमान बने भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त ठीक है भारत में बनाया जा रहा है बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त बना है तो ऑफकोर्स यार भारत में बन रहा है बांग्लादेश में बना रहा है तो यार बांग्लादेश का बन रहा है तो बांग्लादेश का जब बनेगा तो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो इसको अपॉइंट करेगी हाँ जी हम टोटा जो पोर्ट है उसको लिया गया था लेकिन अब कहानी कुछ और हो चुकी है श्रीलंका को भी समझ आ गया कि भैया चाइना तो ड्रैगन है साला कुत्तों को नहीं छोड़ता फिर हमको क्या छोड़ेगा तो उसको भी पता है कि भैया चाइना से दूर दूर रहो हिंदू चीनी भाई भाई से खत्म करो नाश्ता श्रीलंका चीनी भाई भाई खत्म अब भैया जो भी है हमारा इंडिया करेगा हम तो इंडिया के शरण में है इंडिया ही कुछ कर सकता है तो उम्मीद जो रहेगी वो इंडिया को देखने वाली है दूसरी यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं तो मुस्ताफिजुर रहमान अपॉइंटेड बांग्लादेश नेक्स्ट कमिश्नर सॉरी नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया इंडिया में इनको अपॉइंट किया गया बांग्लादेश के द्वारा और याद रखना ये जो स्थान लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं मोहम्मद इमरान का यानी कि मोहम्मद इमरान अब दे देंगे इस्तीफा या फिर मोहम्मद इमरान कहीं दूसरी जगह ले जाया जाएगा ये सारा का सारा काम कौन करेगी ये करेगी बांग्लादेश

हमने नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत है जो वो करी थी याद रखना किसकी शुरुआत करी थी स्किल इंडिया प्रोग्राम स्किल इंडिया का मतलब होता है भारत के लोगों को कौशल विकास करना आपके अंदर की जो स्किल है आपके अंदर का जो कौशल है उसको डेवलप करना यदि आपको खाना बनाने अच्छा आता है तो बढ़िया आप शेप बन जाइए यदि आपको बाजा बजाने बढ़िया आता है तो आप बाजा बजाइए यदि आपको गाना गाने अच्छा आता है तो आप गाना गाइए यदि आपको कुछ और करने अच्छा आता है तो कुछ और करिए यदि आपको कुछ और बनाने आता है तो बनाइए लेकिन बनाइए जरूर बनाइए जरूर अपने अंदर को स्किल को निभाए जरूर लेकिन लोग यहाँ पर क्या करते हैं कच्चा बादाम आह कच्चा बादाम लोग कच्चा बादाम करते रहते हैं भैया कच्चा बादाम थोड़ी कोई स्किल है लेकिन हाँ उसमें भी कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं भाई मतलब कच्चा बादाम करते करते लोग पता नहीं क्या उसमें किस में चले गए थे अभी कुछ लॉक ऑफ वॉक ऑफ करके कुछ आया था ना तो कच्चा बादाम कच्चा बादाम करते करते भी निकल जाते हैं ठीक है ना तो आप लोगों को जो आपको लगता है सर हमारे अंदर ये कला है हम इसको नहीं देखो मुद्दे की बात है ना आप जो भी करिए करिए बस अच्छा करिए अपने अंदर की कला को निखारी अपने अंदर की कला को है ना उभारिए आप ठीक है चाहे कच्चा बादाम करिए चाहे पक्का बादाम करिए वो आपको करना बेटा ठीक है ओके अब यहाँ पर हम बातें कर लेते हैं नेक्स्ट है भैया पैसा मिल रहा है और क्या चाहिए अच्छी बात है ना कर लो ना अच्छी बात है ओके तो फिर आपके घर वाले बोलेंगे तो करना फिर आपके घर वाले केजरीवाल बनेंगे बोलेंगे आ, मैं ये करना चाहती हूँ मैं ये करना चाहता हूँ ड्यू ड्यू टू मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट माई फादर मदर मेरे बच्चे मेरे अब आप लोग भाई बहन हो तो मेरे ब्रदर मेरे सिस्टर जनरली ऐसा होता है अगर घर में कोई बड़ा भाई बहन हो तो उसी की चलती है मम्मी पापा का साइड हो जाता है बड़े भाई बहन उसी के चलते हैं तू नहीं भले खुद करे लेकिन खुद तुमको नहीं करने देंगे उन लोग बड़े लोगों को ये खासियत रहती है उनको विशेषाधिकार रहता है वीटो पावर रहता है खुद कुछ भी कर ले ना चार लेके घुमाएंगे लेकिन आपको पता चल जाएगा फिर देश सटाई बटा तो ऐसा होता है जनरली अब यहां पर हम बातें करते हैं तो फिर बोलेंगे तो कर ना करके ठीक है अब यहां पर ये हम लोग बातें करते हैं ध्यान से समझना इसकी शुरुआत जो है टू में करी गई थी ताकि लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके उनका कौशल उनकी स्किल जो है विकसित की जा सके इसके अलावा यदि हम बातें करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस है दो से इसको मनाना शुरू किया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है अगले जो यहां पर हम लोग बातें कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो हम बातें करते हैं क्या आने वाला है तो कृषि मंत्रालय ने ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है अगर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा सर ये पीओपी पी क्या होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस मत बोलिएगा पीओपी मतलब होता है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म किस चीज का प्लेटफॉर्म ध्यान से समझना मेरे दोस्तों प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म की अगर हम बातें करते हैं तो ई नाम जो होता है ई नाम यानी कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट फॉर्म पूछा जाएगा आप लोगों का इनाम मतलब वो पुरस्कार वाला इनाम नहीं है ना इनाम यानी कि इंटरनेशनल सॉरी इलेक्ट्रिकल या फिर ई यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला जो ई होता है वही है ना नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसका डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है यानी कि इसको सर फिर से लेकर आ गया है और जितने भी प्लेटफॉर्म से नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म लगभग एक 40 जैसे कि यदि हम बातें करते हैं व्यापार यानी कि मार्केटिंग हिंदी में विपणन बोलो परख यानी कि टेस्टिंग जो भी टेस्टिंग करी करेंगी भंडारण फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बाजार की जानकारी यानी कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सारी की सारी चीजें अब आप, आप लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी सिंगल प्लेटफॉर्म पर इसीलिए इसको बोला गया मेरे दोस्तों पीओपी यानी कि प्लेटफॉर्म का भी प्लेटफॉर्म तो पीओपी यानी कि प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म इसको बोला जाता है पीओपी ठीक है

टी शर्ट निकाल के दादा ने बताया था ओ माय गॉड ये 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 ऐसे घुमाया था ना याद करो वो मतलब भाई घूस बंप आ जाते थे मतलब लिटरली देखना भाई पहले जमाने के होते थे यार आज आजकल तो मतलब साला कई बार फिक्स लगता है मतलब लिटरली उतना मजा नहीं आता मैं सच बताऊं तो पहले जमाने का मतलब ना क्या होता था भाई क्या जबरदस्त मतलब एक्शन स्विंग ये वो भाई वो सब आजकल नहीं मिलेगा वो सब मतलब, तो मतलब तो आजकल देखना भी बंद कर दिया तो यार ये कप्तान सौरभ गांगली को उनके द्वारा सम्मानित किया गया वर्तमान में बीसीसीआई के क्या थे ये अध्यक्ष है अभी फिलहाल ये अध्यक्ष हैं बीस साल बाद इनको सम्मानित किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत जो हमारे भारत की सद्भावना राजदूत है गुडविल जो एम्बेसडर है याद रखना ठीक है ये जो गुडविल इनको सम्मानित किया गया है मदर टेरेसा सम्मान से कौन किया है महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र से कौन किया है राज्यपाल ने क्या नाम है राज्यपाल का ये है भगत सिंह कोशियारी तो कोश्यारी भाई ने किया है इन दोनों को सम्मानित किसको किसको दिया मिर्जा और अफरोज शाह को ठीक है ना दिया मिर्जा और अफरोज शाह को ठीक है चलो आगे यहां पर हम बातें कर लेते हैं केरल से एक व्यक्ति आया है जिसमें पहली बार मंकी पॉक्स अभी रिसेंटली पहला मामला फर्स्ट केस देखे को मिला है केरल से ही ज्यादातर एंट्रीज होती है भैया वास्को डी भी केरल से ही आया था ना याद रखना वास्को डिगामा भी केरल से आया था मतलब केरल के साथ अलग ही नाता है भाई केरल वालों को मतलब क्या ही बोले बेचारों की किस्मत में अलग ही चीज है लेकिन उनको कोसना नहीं चाहिए अब अब यार देखो अब ऐसा हो जा रहा है तो केरल वालों को कोस के क्या करोगे अब ऐसा ही हो रहा है कोरोना भी केरल से आया भी केरल से आया और ये ये भाई साहब ये भी केरल से आए हैं तो सारी की सारी चीजें केरल से हो रही है सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था उन्नीस बंदरों में याद रखना अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर ये देखो अब सर सब केरल से क्यों आता है ऐसा नहीं है यार केरल में शायद एन ज़्यादा रहते हैं केरल में ना एन ज़्यादा रहते हैं केरल हो गया आपके पंजाब हो गए महाराष्ट्र हो गया यहाँ पे एन लोग ज़्यादा रहते हैं और जहाँ पे एन ज़्यादा रहते हैं आना जाना लगा रहता है इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग आ ही जाते हैं ठीक है अब ध्यान से समझना मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन आता है क्या मनुष्यों से जानवरों में वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर नहीं आंसर बताइएगा क्या इंसानों से क्या इंसानों से जानवरों में वायरस ट्रांसफर होगा या फिर नहीं एनिमल से तो ह्यूमंस में हो ही रहा है भाई सारे के सारे वायरस जो हैं वो तो ऑफ ऑफकोर्स मतलब मतलब बाहर से है ना जानवरों के ही वायरस जो रहते हैं मेरा प्रश्न ये है सर क्या ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया बनेगी कि नहीं दीपाली मैम साइंस में पढ़ाती होंगी ना क्या बलते 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 बोलते हैं बेटा इसको उत्क्रमणी बोलते हैं क्या ऐसे इधर से भी इधर? और इधर से भी इधर ऐसे बोलते हैं क्या इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया यही बोलते हैं ना हम लोग उत्क्रमणीय तो क्या उत्क्रमणीय होगा कि नहीं इंसान से इंसान से जानवरों में और जानवरों से इंसान में यस और नो होगा ना हाँ जी सर बिल्कुल होगा ऑफकोर्स होगा क्यों होगा क्यों होगा यार कोरोना के लिए जानवरों के लिए पहली वैक्सीन बनाई गई थी याद करो एनएमएक्स करके याद आ रहा है एनएमएक्स करके बनाया गया था ना पहला एनोकोवैक्स तो वही तो है ये भी तो वही है भैया इंसान से जानवरों में जा रहा है इंसान से जानवरों में जा रहा है जानवरों से इंसान में आ रहा है तो दोनों के दोनों पॉसिबल हैं दोनों के दोनों पॉसिबल हैं अब कैसे दिखता है क्या कोई देखना चाहता है मंकी पॉक्स कैसे दिखना है क्या कोई देखना चाहता है देखो जिन लोग को एकदम ऐसे लगता होगा ना रस देखो अमन सर की भी याद आ गई सब सर में हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनको और जिनको लगता है अरे हम तो सब चीज देख सकते हैं वो देख लेना है ना ठीक है तो ये देख लो भाई ऐसे कुछ नजर आता है ऐसे कुछ नजर आता है फिर मैं हटा दूंगा जल्दी से देख लो स्क्रीन ले लो जिसको जिसको देखना है ऐसे कुछ नजर आता है जब होता है तो चलो देख लिया सबने खतरनाक स्थिति हो जाती है तो ये पॉक्स है ना एक प्रकार का पॉक्स टाइप का रहता है ये ठीक है ये एक प्रकार के यहाँ पर हम बातें करते हैं पॉक्स यानी कि जो एकदम मतलब दाना वाना जो इस टाइप से होता है ठीक है हाँ स्क्रीन शॉट ले लो भाई स्क्रीन शॉट लेना और किसी से बदला लेना होगा ना उसको मैसेज कर देना मालूम किसी से बदला लेना होगा ना उसको ये मैसेज कर देना स्क्रीन शॉट लेके ठीक है चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो बेटा पॉक्स का मतलब हुआ क्या पॉक्स का मतलब ही वही होता है 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 कि नहीं पॉक्स का मतलब ही होता है जो दाने दाने उभर आते हैं NAScom और गूगल ने ने दोनों ने मिलकर कॉल सेंटर खोला है किन के लिए भाई महिलाओं के लिए महिलाओं कौन सी महिलाओं गांव में रहने वाली जो महिलाएं होती हैं ग्रामीण महिलाएं है, उनके लिए किसने खोला है ने फाउंडेशन और गूगल इन दोनों ने मिलकर खोला है किन दोनों ने नैस और गूगल ने राइट चलिए हाँ स्क्रीन शॉट इसलिए बोला मैंने क्योंकि अगर किसी को डराना है किसी को भेजना है तो इसके अलावा यदि हम बातें करते हैं मेरे दोस्तों तो ये एक ऐसा कॉल सेंटर रहेगा जो कि महिलाओं की सहायता करेगा किन महिलाओं की रूरल एरियाज की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की विशेषकर जो कुछ ना कुछ संगठनों से जुड़े हुए उनके लिए तो ये चीज जरूर याद रखना ये कॉल सेंटर खोला गया है ने और गूगल के सहायता से अगला जो न्यूज होने वाला है दोस्तों वर्ल्ड डे की यहां पर हम बातें करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सबसे पहले 1989 में इसको मनाया गया यह किससे प्रेरित था इलेवेंथ ऑफ जुलाई नाइनटीन को फाइव बिलियन डे इसका मतलब यह था मेरे दोस्तों याद रखना ग्यारह जुलाई उन्नीस तब हमारी जनसंख्या हुआ करती थी फाइव बिलियन मतलब कितना हो जाएगा पांच सौ करोड़ है कि नहीं अब हमारी जनसंख्या हो गई है आठ सौ करोड़ एक ना मूवी था पता नहीं कौन सी मूवी है मेरे को याद नहीं आ रहा अगर आप लोगों को याद रहेगा उसमें देखना बेहतरीन दिखाया गया था उस मूवी में Uh, जैसे जैसे टाइम लैप्स हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ रहे हैं जनसंख्या का जो दर है ना वो लगातार बढ़ रहा है मतलब मेरे को खुद को समझ नहीं आता भाई एक टाइम के बाद हम लोग कहां रहेंगे कैसे करेंगे कहां जाएंगे आप समझो ना सोर्सेज जो लिमिटेड है सोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड है तो आप लोग बेटा जल्दी से लगा लो जॉब क्योंकि अभी 2000 क्या चल रहा है अभी 2022 हजार बाईस चल रहा है 2022 चल रहा है आप तो ऐसा उम्मीद करोगे ना 2050 तक तो रहोगे ना कम से कम ज्यादा ही रहोगे कम से कम यहां तक तो रहोगे इस दुनिया में रहोगे ना दो हजार पचास तक है ना अब भाई दो हजार पचास तक आप रहोगे तो यार मतलब सरवाइवल मतलब देखो ना आप खुद सोचो सतासी से अभी बाईस में है इधर निकाल लो बेटा तेरह साल और इधर से बाईस साल कितने साल हो रहे तीन दो पांच दो और एक तीन पैंतीस साल में हम लोग बच चुके हैं तीन बिलियन आगे बढ़ चुके हैं आगे का और पैंतीस साल ले लो मान लेते हो। दो हजार साठ तक आप जिंदा रहोगे मान लेते हैं ऐसा हर कोई रहेगा ना भाई कोई है थोड़ी कि मैं पहले कोई कोई क्या नहीं सर मैं तो मैं तो निपटने वाला ऐसा तो कोई नहीं है ना चलिए हाँ ठीक है क्या बात है ज्योति थैंक यू सो मच है ना ठीक है अब ध्यान से समझना ध्यान से समझना बेटा यहां पर यदि 2060 की मैं बातें करूं तो होना ही होना है भाई अभी आठ बिलियन डॉलर है बारह बिलियन तक पहुंच जाएंगे हम लोग अगर ऐसी चलता रहा बारह तो नहीं कम से कम मिनिमम दस बिलियन तो पहुंचेंगे भाई मिनिमम है ये 2060 में स्क्रीनशॉट लेके रखना मेरे को बताना ठीक है टेन बिलियन डॉलर स्क्रीन शॉट लेके रखना 2060 में अपन अपन एक दूसरे को मैसेज करेंगे सर आप 2060 बोले थे करके ठीक है ना तो अपन अपन मैसेज करेंगे है ना 2000 मेरा नंबर वही रहेगा चेंज नहीं होगा तो स्क्रीन शॉट लेके रखे रहो फिर अपन मैसेज करेंगे अपन बात करेंगे 2060 में मंगल वंगल घूमने जाएंगे फिर अगर उस समय तक सुविधा अगर हो जा ना तो प्लानिंग वर्निंग करेंगे मंगल वगैरह घूम घएंगे थोड़ा एलियन विलन लोग से बात बात करेंगे चाट वाट बड़ा बड़पा इधर खिलाएंगे बनारस वनारस का पान वन खिलाएंगे उनको ठीक है चलो आगे बढ़ता हूँ दोस्तों नेक्स्ट है अच्छा नेक्स्ट क्या खत्म हो गया चलो जब बोल रहे कि हो गया भाई बच्चों को भी जाना है पौने दो भी हो गया आपको भी जाना है सुबह से आए और कितना पढ़ाओगे करके ठीक है चलो तो आज का सेशन अब यहाँ तक हम खत्म करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम रहेगी उसके लिए तो हम डेली करंट अफेयर ला ही रहे हैं उसके अलावा मैं कुछ कुछ शॉर्ट्स लेके आते रहता हूँ कुछ कुछ आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहता हूँ है ना तो आप लोग जरा बताइएगा आप लोगों की कुछ डाउट है तो चलो दो चार बातें आप लोग उसे कर लूँ फिर आज के सेशन को हम खत्म करते हैं आपने हमसे इकोनॉमिक्स पढ़ा है करंट अफेयर को कैसे डील करना है बेटा बता देंगे बिल्कुल बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है है ना बिहार के लिए लिट्टी चौका खिलाएंगे ठीक है बेटा आपके क्वेश्चन का डाउट ये है करंट अफेयर कैसे पढ़ना है करंट अफेयर आप पहले मेरे साथ साथ पढ़ो मेरे साथ साथ पढ़ा आपने इसके बाद आप इसका क्या करिए आप इसको पीडीएफ इसको दिया जाता है पी के लिए करना कुछ नहीं है बेटा आप जी एस वे तरुण सर आप ऐसा सर्च कर लो आप कुछ मत करो भाई ढूंढने से तो भगवान मिलते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं मिलूंगा अवश्य मिल जाऊंगा अद्वैत एजुकेशन ये भी आप सर्च करिए इन दोनों जगहों पे हम आपको डाल देते हैं और एक और तरीका है आप अद्वैत एजुकेशन का हमारा ऐप डाउनलोड करिए आप हमारा ऐप ऐप डाउनलोड करेंगे तो में भी आपको आपको ये 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 चीज़ें चीज़ें मिल मिल जाएंगी जाएंगी ठीक है ना सर ये क्लास कितने टाइम स्टार्ट होती है क्लास समय स्टार्ट होता है संडे दोपहर बारह बजे संडे ट्वेल्व पीएम पर होती है क्लासेस और जाते जाते आप लोगों को कमेंट करना है कहां पर अभी नहीं करना जब वीडियो एंड हो जाएगा ना वीडियो हो जाएगा आप लोग भी बढ़िया खाना खा लेना, हो जाना, किसी को क्या क्वेश्चन पूछा था दोस्त मैंने पूछा था कि यूएस ओपन कौन से देश में होता है और यहाँ पर एन का जो टूर्नामेंट हुआ वो कौन से सिटी में हुआ ये दोनों के दोनों कमेंट्स आप लोगों को करना है ठीक है चलिए और क्या बताना है दोस्तों हाँ कल तीन बजे हम लोग मिलेंगे वो मेंस वाला सेशन रहेगा यस आप वहां पर इकोनॉमिक्स की क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं वो मेंस वाला रहेगा पार्ट है, है ना और क्या क्या आप लोगों के जो पॉइंट है आप लोग जरा मुझे बता देना ठीक है जो भी डाउट रहेंगे तो आप लोग यहां पर लिख देना बस कमेंट बॉक्स में लिख देना और जितने बच्चे लोग लाइक नहीं करते तो बेटा एक बार लाइक जरूर कर देना है ना आप लोग लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है आप लोगों का लाइक और कमेंट और जिन बच्चों को आंसर भी नहीं पता तो आप लोग जो भी आंसर बढ़िया बना देना है ना और जो भी आप लोगों को जो भी फीलिंग्स रहेगी जरूर लिखना आफ्टर एंडिंग ऑफ द वीडियो तो हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहेंगी आप बने रहिए एजुकेशन के तब तक हम मिलेंगे किसी और वीडियो में थैंक यू सो मच गाइस टेक केयर बाय बाय हैव अ नाइस डे जय हिंद